तुम कब से मिलने आया करती? ये लो तुम्हारी टाइम की मशीन गायत्री। अरे ये मेरी बहनें रो क्यों रही है, क्या हो तुम्हें? मेरी आंटी जो छोड़ने जा रही है। छोड़ के जा रही है, कहाँ जा रही है? सुनिए मुझे नौकरी मिल गई है। खाना बनाने की या कपड़े धोने की? नहीं वो मिल के मालिक है ना, मुझे उनके यहाँ नौकरी मिल गई है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि रहना भी वही होगा। अच्छा तो बंगला देखते ही झोपड़े को भूल गई। और ये जो टैप की मशीन मैं उधार लाया हूँ, इसको अंगीठी बना के इस पे रोटियां बनाया करूंगा। देख गायत्री ये बात अच्छी नहीं, मैंने तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त किया और तुमने अपने आप नौकरी ढूंढ के मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। भैया तू चुप रहा मानो, साफ साफ बताओ तुम घर छोड़कर जा रही हो गायत्री? जी दिल तो मेरा भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, नौकरी का सवाल है, जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जाना ही पड़ेगा, ना जाने लोग क्यों बिन बुलाए किसी के घर आ जाते हैं, आते हैं तो इतना प्यार बढ़ाने की क्या जरूरत है। आए बैठे इन छोटी छोटी बच्चों के दिल में जगह बना ली, अब उनका दिल तोड़ दिया। शानो मानो की बच्ची, तुम्हें किसने कहा था ऐसे अपनी दीदी बनाओ? हमारी दीदी बड़ी अच्छी है, हमारा बड़ा ख्याल रखती है। भैया हमारी दीदी बड़ी अच्छी है। तू चुप रह, अगर तेरी दीदी अच्छी है तो अपनी अच्छी दीदी के साथ तुम सब जाओ, मेरा क्या, मैं दीवारों से बातें करूंगा। खोटी ठन्नी आकर खोटी निकली ना, लेकिन ये मत समझना मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, दिल का सच्चा आदमी हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। तुम्हारे चले जाने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, कोई आफत नहीं आ जाएगी। हाँ इतना जरूर होगा, ये बच्चियां तुम्हारी याद में रो रो कर घुल जाएंगी। इनका दुख देखकर मैं होटल बंद कर दूंगा, होटल बंद करके यहाँ बैठ जाऊंगा। होटल बंद हो गया तो मजदूर भूखे मरेंगे, मजदूर भूखे मरेंगे तो मिल बंद हो जाएगी, और तेरा वो सेठ कंगाल होकर रह जाएगा। सेठ कंगाल हो गया तुम्हारी नौकरी की छुट्टी, फिर देखता हूँ कहाँ जाती हो, घूम फिर के यहीं आओगी, लेकिन उस वक्त यहाँ कौन होगा, कोई नहीं होगा। जाओ गायत्री देवी जल्दी जाओ, बंगले की नौकरी छूट जाएगी, जल्दी जल्दी जाओ। दीदी दीदी मत जाओ, मत जाओ दीदी, मान जाओ ना, मत जाओ दीदी, मान जाओ, मान जाओ ना दीदी। अच्छा बाबा मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं सेठ जी को समझा दूंगी, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बस सुबह नौकरी पर जाया करूंगी और शाम को तुम सबके पास लौट आऊंगी। अच्छी दीदी। संसार की गाड़ी रेलगाड़ी की तरह एक ही पटरी पर नहीं चलती, इसीलिए संसार का दूसरा नाम ज्वारभाटा है। श्रीमान दुर्गादास एक करोड़पति है, श्रीमान मिल्स का मालिक, लेकिन जहां तक पारिवारिक सुख का संबंध है ये बहुत दुखी आदमी है। इसे अपने इकलौते बेटे की तलाश है जो एक दिन गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया था, इसलिए कि उसने एक गरीब लड़की से शादी कर ली थी और उसकी इस हरकत पर बाप आग बगुला हो गया था। अब उसका लड़का मर चुका है और उसे अपनी बहू और पोते की तलाश है। यही दुर्गादास की बहू और उसका पोता बिल्लू है। गरीबी और तपेदिक की बीमारी के हाथों तंग आकर वो यहां से शहर की तरफ रवाना हो चुकी थी ताकि मरने से पहले वो दुर्गादास को उसका पोता उसका वारिस सौंप दे। कुदरत के रंग देखिए, दुर्गादास की गाड़ी अपने पोते और बहू के पास से गुजर गई, बिछड़े हुओं का मिलाप ना हो सका क्योंकि ऐसा ही विधि का विधान है। बहू ने सड़क के किनारे बेबसी के आलम में दम तोड़ दिया और एक राह चलते छोटे से होटल के मालिक राममूर्ति ने इस अनाथ को अपने सीने से लगा लिया। एक करोड़पति का पोता एक दाल रोटी बेचने वाले के घर का चिराग बन गया और इस तरह भगवान ने राममूर्ति की पत्नी की सूनी गोद हरी कर दी। बिल्लू को गोद लेने के बाद राममूर्ति के घर तीन बच्चियों शानो मानो रानो ने जन्म लिया। एक दिन राममूर्ति और उसकी पत्नी भगवान को प्यारे हो गए। अब बिल्लू ही इन बच्चियों का मां बाप भाई और रखवाला है। Thank you.
खाना पीना मौज उड़ाना दुनिया से क्या लेके जाना पंडित जी ऊपर वाले से। बिस्किट किसका भाव? ए कालिया फिर से आ गया। बिल्लू सेठ। क्या बे? बिल्लू सेठ, ये लो 50 नए पैसे परसों के, कल और आज का उधार रहा, लेकिन हिसाब याद रखना। मच्छर हाथ देखा, लाफा मार के लिफाफा बना दूंगा। लेकिन बिल्लू सेठ, इसमें गुस्से की क्या बात है? तो हिसाब याद रखने को क्यों कहता है? हिसाब याद रखे देने वाला। कहाँ जाता है, है? निकाला है तो अब लेके भी जा, बीवी को दे देना। वाह 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 वाह, संगम होटल ही है जहाँ चाय में मलाई मिलती है, वरना और होटल वाले तो चाय में ब्लॉटिंग पेपर डालकर देते हैं। यहाँ हर चीज शुद्ध मिलती है पंडित चाचा। बाबा कह गए कि बेटे जिसने खाने में की मिलावट, उसकी दोनों जहाँ में गिरावट। आया भाई। स्वर्गवासी राम मूर्ति भी महान आदमी था, क्यों ना हो, जैसा पेड़ वैसी छाया, जैसा बाप वैसा बेटा। शिव शंकर शिव शंकर। पंडित चाचा, बाबा कहा करते थे, ये दुनिया भगवान का बैंक है, जो धरती पे जमा करवाएगा वो स्वर्ग में कैश करवाएगा। वाह 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 वाह। बैठिए, क्या सेवा करूं? दाल रोटी चाय लस्सी लेमन सोडा समोसा कचौरी। अब महंगी दाल बनी हुई है। माँ काली दाल? हाँ जी बनी है। उसमें घी कौन सा डालते हो? चाची गाय भैंस जो दूध देती है उससे जो मक्खन निकलता है, उसका जो घी बनता है उससे तड़का लगाता हूँ। तड़का दो एक प्लेट। अरे दो प्लेट तड़का दे। होने ले। बिल्लू बेटा आज तो पूरे 80 पैसे हो गए हैं। लो याद आया, आज तो पूर्णमासी है और पूर्णमासी के दिन राम मूर्ति ब्राह्मण से कुछ नहीं लेता था। लेकिन हम तो लेंगे पंडित चाचा। क्या आशीर्वाद? आयुष्मान हो आयुष्मान हो। अरे कौन कहता है कि संसार से धर्म कर्म उठ गया? शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। खाना पीना मौज उड़ाना दुनिया से क्या लेके जाना। शिव शंकर शिव शंकर। आ गया आ गया, शेर जी आपका पोता आ गया। आ गया? कहाँ गया? यहाँ। ये महीना समाप्त होगा, अगला महीना आरंभ होगा और आपका पोता आपके घर में होगा। पंडित जी, ज्योतिष की झूठी तसल्लियों से आप कब तक मेरा दिल बहलाते रहेंगे? श्रीमान सेठ जी, हम झूठे हो सकते हैं लेकिन ये ज्योतिष विद्या झूठी नहीं हो सकती। आपका मंगल बदल कर शुक्र में जा रहा है और शुक्र संतान के लिए बड़ा बलवान है। आपका बेटा तो है ही नहीं, इसलिए संतान का मतलब हुआ पोता। देखा जाएगा। पंडित जी मेरा काम करोगे? जी जरूर। ये दवा पी लो। मैं पी लो। देखो डॉक्टर के आने का वक्त हो गया, अगर मैंने दवा नहीं पी तो डॉक्टर मुझे नाराज हो जाएगा। जिसने सारी जिंदगी आपके घर का लस्सी दूध पिया हो, क्या वो दवाई नहीं पिएगा? जरूर पिएगा। जय शिव शंकर। शास्त्री जी, दिमाग खराब हो गया आपका? ये दवा है? ये दवा है? मैं तो इसे गंगा जल समझ कर पी रहा था। पहली बार मूर्ख ब्राह्मण देखा है। अगर आपको कुछ हो जाता तो गवर्नमेंट मुझे गिरफ्तार कर लेती। तो क्या आपकी दवाई पीने से आदमी गिरफ्तार हो जाता है? सेठ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बाल बाल बच गए। दुर्गादास जी, कितनी मेहनत से आपका इलाज कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी दवाएं ढूंढ कर लाता हूँ जो परदेश से मंगानी पड़ती हैं, और आप ये दवाएं भिकमंगों को पिला देते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरी बीमारी दवा से अच्छी होने वाली नहीं, आप मेरे दवाइयां ना ढूंढिए, मेरे लिए मेरा पोता ढूंढ कर ले आइए। बस वही पोते का रोग। मैं कहता हूं सेठ जी, आपके पास दुनिया जहान की दौलत है, दूर नजदीक के सैकड़ों रिश्तेदार आपके सहारे पलते हैं, क्या उनमें से आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम जो हैं, हम जो हैं। इसी घर में इस करोड़पति के कितने झूठे सच्चे रिश्तेदार हैं जो इसकी जिंदगी की घड़ियां गिन रहे हैं। ये हैं श्री इकबाल नाथ, सेठ जी की मुंह बोली बहन के लड़के, श्रीमान मिल्स के मैनेजर, जिन्हें दिन रात सेठ जी की दौलत हड़प करने की चिंता है। और यह है रेखा, इकबाल नाथ की बेटी। रेखा को अनोखे से प्यार है, लेकिन इकबाल नाथ ने इसे इस उम्मीद पर कुंवारी बिठा रखा है कि अगर एक दिन सेठ जी का पोता मिल गया तो यह इस घर की मालकिन बनेगी। और इस खिचड़ी बालों वाली देवी का नाम है सतवंती, सेठ जी के चचेरे भाई की विधवा लड़की। ये अपने इकलौते बेटे को, जो आधा तीतर आधा बटेर है, सेठ जी की दौलत का वारिस बनाना चाहती है। और ये हैं सेठ जी के वकील श्री रमेश खन्ना।
इस चंडाल चौकड़ी के एक और मेंबर जो तनख्वाह सेठ जी से लेते हैं और मशवरा चंडाल चौकड़ी को देते हैं। चाचा जी लस्सी ले आओ। हाँ बहन जी, इस उम्र में लस्सी कैसे हजम होगी, मेरे ख्याल में चाय ठीक रहेगी। वैसे चाय से ज्यादा विटामिन कॉफी में होती है। मेरा ख्याल है इस उम्र में दवा के तौर पर फ्रेंच ब्रांडी भी बुरी नहीं है। देखो तुम लोग एक काम करो, लस्सी चाय कॉफी ब्रांडी सब एक साथ मिलाकर मेरे सिर में डाल दो। मैं कहता हूँ तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हटिए, देख रही, रास्ता दीजिए। क्या शहर में आंखों वाले भी अंधे होते हैं? नहीं नहीं, शहर में अंधों की भी आंखें होती हैं। अच्छा सूरदास जी। अरे बेचारी का नाजुक फूल गिर गया। सुनिए मेरी बात, सुनिए। ऐसे होश, मुझे आपसे काम है, रुकिए चलिए। अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लीजिए पंडित जी स्पेशल चाय और गर्मा गर्म कचौरी। जियो जियो जियो। आज तो एकादशी है, आपका व्रत होगा। अरे अरे सुनो 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 बेटा, एकादशी के दिन हम जजमानों को व्रत रखवाते हैं और खुद खाते हैं। शिव शंकर शिव शंकर। क्षमा कीजिए पंडित जी। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। लीजिए पंडित जी, बोलिए देवी जी। दाल रोटी चाय लस्सी लेमन सोडा समोसा कचौरी बटर टोस्ट स्पेशल स्पेशल चाय। बिस्किट लाना। बिस्किट। बिस्किट। दो समोसे और कचौरी। दो समोसे और कचौरी। समोसा कचौरी और कुछ? क्यों देवी जी, हो गया खाना पीना? अरे ये क्या, कुछ खाना नहीं था तो हर चीज में चिड़िया की तरह चोंच मारने क्या जरूरत थी? कुछ अच्छा नहीं है जी। देखिए संगम होटल में हर चीज हर सुबह ताजा आती है, खाने की इच्छा नहीं तो होटल की बदनामी मत कीजिए। नहीं माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं तो चाय पी लीजिए ना, पी लीजिए ना। बिल क्या है? अब बिल क्या लूं, ना कुछ खाया है ना कुछ छोड़ा है। चाय के 30 पैसे दे दो। ये लीजिए। अरे देवी सुनिए, ये अठन्नी तो मुरादाबाद की बनी हुई है। क्या मतलब? मतलब खोटी, आवाज एकदम गुल, नई अठन्नी निकालिए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ यही एक अठन्नी थी, मैं कल आकर दे जाऊंगी। कल परसों अगले बरस उधार का तो अपन गम नहीं करते, जब जी चाहे दे देना, लेकिन अपनी ये खोटी अठन्नी लेती जाइए, खोट हम अपनी दुकान पे नहीं रखते। सुनो ये चवन्नी भी लेती जाओ। ये किस लिए? घर भी तो पहुंचना है, ये खोटी अठन्नी बस वाले को भी नहीं चलेगी। ले लो ले लो। बड़ी मेहरबानी। आए क्या पटाखा लड़की थी, बेचारे बिल्लू का दिल भी आ गया, बिल भी छोड़ा और गले से चमन्नी भी उठाकर दे दी। ये तस्वीर देखा है पहलवान, किसकी है? जानता हूँ हनुमान जी की है। और हम हनुमान जी के भगत हैं। अच्छा, पराई कन्या की तरह बुरी नीयत से नहीं देखते। जा जा,
मुंह से तो राल टपक रही है। अच्छा राल टपक रही है। कुछ नहीं पंडा चाचा, पहलवान जी को आपने होटल की चाय गर्गी कर गई है, थोड़ा ठंडा दीजिए। छतरी का काम अगर दान पुण्य करना है तो उल्टी खोपड़ी को सीधी करना रही। अरे भाई कोई बीच में नहीं आएगा, ये मेरा और पहलवान जी का मामला है। आइए पहलवान जी। दाल रोटी चाय लस्सी लेमन सोडा समोसा कचौरी बोल क्या खाएगा पहलवान? कुछ नहीं, मार खा खा कर वैसे ही मेरा पेट भर गया। बिल्लू से रब तो माफ। पहलवान शरीफ आदमियों से ऐसी हरकत नहीं करते। नहीं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर दीदी हो तो चोरी छुपे घर में आने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या करती? देखो ना वो बदमाश कब से मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा तो हम उस बदमाश को सीधा कर देते हैं। बापूजी आपको अंदर बुलाया है। अंदर? किसने? हमारी दीदी ने। दीदी? कौन सी दीदी? जिसके पीछे आप लगे हुए हैं। वो दीदी अंदर है। चलो 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 आइए आइए। थैंक यू। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं रो दूंगा। अभी नहीं, पहले हमारी दीदी के पांव में सिर रखकर नाक रगड़ो। प्रभु ये क्या मुसीबत है। अरे ठहरो ठहरो ठहरो। अरे कहाँ है तुम्हारी दीदी? चलो ओहो चलो। हाँ चलता हूँ चलता हूँ चलता हूँ भाई। भगवान ओहो लो भाई। एक दो तीन। ठीक है बेटा अब तो खुश हो मुझसे? अब मुर्गा बन के दिखाओ। हे भगवान ना जाने मैंने आज किसकी शक्ल देखी थी। बोल मेरे मुर्गे कुकड़ू कू। बोल मेरे मुर्गे कुकड़ू कू। अरे भाई अब तो मेरी जान छोड़ो। अब आंखें बंद करके सीधा घर चले जाओ। जाता हूँ बाबा जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे अपना काम तो पूरा करने दो। बहन जी आपके बालों से ये फूल गिर गया था, इसे लौटाने के लिए मैं कितनी देर से आपका पीछा कर रहा हूँ। इस फूल ने मेरी धूल साफ कर डाली। जाइए ये फूल हमने आपको इनाम में दे दिया। जी नहीं, ये फूल मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा है, मैं इसे आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। जब मैं साइकिल छोड़ के गया था मेरा टायर डबल रोटी था, अब ये सूखी चपाती बन गया है। अच्छा आप जरा ये तो बताओ तुम्हारे घर में और कौन कौन रहते हैं? हुँ? हमारी माँ है, हमारे पिता है और हमारे भैया है। लेकिन वो सब है कहाँ? बस अभी आते होंगे भैया। और माता पिता? दीदी हमारे भैया, हमारे भैया भी हैं, माता भी और पिता भी। सुबह जगाते हैं, नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं और फिर काम पर जाते हैं। अच्छा तुम्हारे भैया तुम सबसे इतना प्यार करते हैं? हाँ, सानू से इतना, सानू से इतना और मुझसे इतना। अरे बाप रे तुमसे इतना? हम खोटी अठन्नी। एक खोटी अठन्नी घर पर भी? भैया
एक बुद्धू सा बदमाश दीदी का पीछा कर रहा था। दीदी उसे बचने के लिए हमारे घर में आ छुपी और फिर हम तीनों ने मिलकर उसकी ऐसी पिटाई की जैसे धोबी कपड़े धोता है। अरे मुझे क्यों नहीं बुलाया, मार के लाफा उसका लिफाफा बना देता मैं। भैया हम भी तो आपकी बहने हैं, हमने तो उसको मार मार के पोस्टकार्ड बना दिया था। हाँ। अच्छा छोटकी तूने भी मारा उसे? लेकिन बेटे तेरे छोटे छोटे हाथ दुखे होंगे, मेरे होते ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया आप भी कमाल की बात करते हो, क्या मुझे बदमाश कहते? बदमाश जी भेज जाइए, भैया भी आएंगे और आपको आके पिटेंगे। अरे तू तो बहुत सियानी हो गई है। क्षमा करना, मेरी वजह से बच्चियों को तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ उठानी पड़ी? हम खा बेचारी बच्चियों को मुसीबत में डाला। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी थी, निपट लेना था उस आदमी से। क्या करूं, कभी जिंदगी में किसी पर हाथ उठाए नहीं, हमेशा मार ही खाती रही हूं। तुम्हारी कुंडली में ऐसा लिखा होगा, शक्ल से तो देहाती पंछी लगती हो। हाँ नासिक से आई हूँ। अजीब लड़की है, लोग तीर्थ करने बंबई से नासिक जाते हैं और तुम नासिक से बंबई चली है। ठहरे कहाँ हो? किसी भी धर्मशाला में रात काट लूंगी। क्यों जी, ये घर किसी धर्मशाला से बुरा लगता है तुम्हें? लेकिन मैं तो आपके लिए पराई हूँ। तो मैं तुम्हें कौन सा अपना बनाने वाला हूँ? सुनो लड़की, ये बंबई शहर है, यहाँ लोग दिन में लड़की गोल कर देते हैं और अब तो रात होने वाली है। आज रात यहीं काट लो, कल सुबह अपना बिस्तर बोरिया गोल करके जहां जी चाहे चले जाना। समझ गई ना? वाह वाह वाह, क्या सर हिलाती है। खाना वाना तो खाओगी? ये पंखे की तरह मुंडी क्या हिला रही है? अरे हाँ करनी है तो मुंडी ऊपर से नीचे कर रही हूं। मारती मक्खी पे मक्खी। दीदी मक्खी मारती है। ऐसा करो तुम खोटी अठन्नी से बैठ के बातें करो और मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करता हूं। अच्छा। अरे ओ खोटी अठन्नी किधर है तू? आप बार बार मुझे खोटी अठन्नी क्यों कहती हैं? मेरा नाम गायत्री है। वाह नाम तो बड़ा खरा है, गायत्री के जाप से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। अरे ये बिटर बिटर मेरा मुंह क्या देख रही है? बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रहा हूं। पहले आपका हाथ बटा दूं, बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? हमारे घर में मेहमान को सबसे पहले खाना परोसा जाता है। लेकिन अभी तो मुझे भूख भी नहीं लगी। भूख नहीं है? अरे मेरे हाथ का बना खाना तो अपने आप अंदर जाता है। अच्छा तो जरा मुंह हाथ धो के आओ। हाँ ये सामने जाओ, लेकिन जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा। अरे भैया दीदी तो अच्छी लगती है। हाँ बेचारी बेजबान सी गाय तो है, अपना क्या ले लेगी, एक वक्त का चारा। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तुम्हारी पेट पूजा हो गई ना, तो जा जाके सो जा। चलो उठो तुम्हें। बैठो कहीं। क्यों बच्चे कहाँ गए? अरे इतना छोटा सा तो पेट है बेचारों का, धोने वाले खाए और गए तुम अपने बिस्तर में। तुम भी शुरू हो जाओ। देखो शर्म वरम मत करना, ये मेरा होटल नहीं घर है। अच्छा इतनी जल्दी तुमने इतना सारा खाना बनाया? तो क्या बचपन से झक मारता आया हूं मैं, 24 घंटे खाना ही तो बनाता हूँ। लेकिन देखो कोई नुक्स वुक्स मत निकालना। इतना अच्छा खाना तो मैं पहली बार खा रही हूँ। तू क्या घर में भूख हड़ताल कर रखी थी? तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छी तरह खाना भी नहीं देती थी। अगर माँ होती तो फिर रोना किस बात का था? तो तुम अनाथ हो? सगी माँ मर गई, पिता और सौतेली माँ है। सौतेली माँ का सलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जी जब से पिताजी ने दूसरी शादी की है वो जोरू के गुलाम बनकर रह गए हैं। पिताजी ने मुझे किसी ना किसी तरह पढ़ाया लिखाया, लेकिन सौतेली माँ ने मुझसे बगैर पूछे किसी बूढ़े से मेरी शादी ठहरा दी। आगे माँ तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं अपनी पढ़ी लिखी बेटी का हाथ एक अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ में कभी नहीं दूंगा। पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, उसे कौन सा गवर्नर बनना है? ये भी तो सोचो गंगा राम 20,000 रुपए भी तो दे रहा है। राम राम राम,
कन्या को बेचकर अन्न खाने से तो भूखों मर जाना अच्छा है। उस रुपए से हमें पेट नहीं भरना है, उसकी दूसरी बहन की शादी हो जाएगी। तुम्हें तो बस अपनी बेटी शांति की चिंता है। गायत्री सौतेली जुठारी, शांति के लिए स्वर्ग खरीद कर गायत्री को क्या नरक में भेजोगी? बस हर बार इसी हथियार से तुम मुझ पर हमला करते हो। माथा फूट गया मेरा जो मैंने तुम जैसे घिसे पिटे आदमी से शादी की। शांति की माँ, मुझे समझने की कोशिश करो। बहुत समझ लिया, मैंने गंगाराम को वचन दे दिया है। वचन देने से पहले क्या मुझसे पूछा था, मुझे जहर दे दो या खुद गले में फांसी डाल लो, मगर मैं गायत्री की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। ये बात उस वक्त सोचनी थी जब सेहरा बांध कर मेरे घर आए थे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी ना, एक से एक अच्छा रिश्ता मेरे लिए मौजूद था। अब नाचो टापो जलो भुनो कुछ भी करो, मैं कल सुबह गायत्री की सगाई गंगाराम के साथ करके छोड़ूंगी। और फिर पिताजी का आशीर्वाद लेकर कामकाज की तलाश में रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली आई। बड़ा अच्छा किया तुमने, ऊपर वाला बड़ा दयालु है। जहाँ एक दरवाजा बंद करता है वहां 100 दरवाजे खोल देता है। पैदा बाद में करता है लेकिन उसकी किस्मत की दाल रोटी राशन पानी का इंतजाम पहले कर देता है। तुम हिम्मत नहीं हारना, जब तक नौकरी नहीं मिले इसे अपना घर समझो, यहीं रहो। हाँ, जहां 3 की पकाता हूं 4 की पकाया करूंगा। बस तुम भगवान का नाम लेके काम की तलाश शुरू कर दो, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो मैं ढूंढ के दूंगा। कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। कैश लिया जाए कि उधार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। भैया। अरे शानू, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया, दीदी ने भेजा है। क्या भेजा है तेरी दीदी ने? आपके लिए खाना। मेरे लिए खाना? हाँ। अरे हम दुनिया को खाना खिलाते हैं और तुम्हारी दीदी हमें खिला रही है। ये लो, तुम भागो यहाँ से, हमें खाना खिलाएगी। अच्छा दीदी, फिर आगे क्या हुआ? फिर जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो एक ऊंचे से दरख्त के नीचे उसे एक छुपा हुआ खजाना मिल गया। अच्छा, फिर बस वो रातों रात अमीर हो गया और उसकी छोटी सी झोपड़ी एक बड़े से महल में बदल गई और उसके पास नौकर चाकर मोटर गाड़ियां सब कुछ आ गया। तो दीदी, क्या अमीर होने के बाद भी उसने उस गरीब लड़की से शादी की? बताओ। बंद करो ये कहानी। ओ नासिक की खोटी ठानी, इधर आओ। क्या है? आज शानों को होटल में खाना देने क्यों भेजा? तो कौन सा पाप किया मैंने? पाप? अरे तूने घोर पाप किया है। जिन बहनों को मैं सारा आंखों पे बिठाता हूँ, जिनको अपने हाथ से घड़े से पानी तक लेने की इजाजत नहीं, उसे तुमने खाना देने होटल भेज दिया। जरा पूछो पूछो, इन्होंने पहले कभी होटल का मुंह देखा है? मेरी गुड़िया जैसी बहन को होटल पैदल आना पड़ा। ये राजकुमारियां हैं, डिब्बे उठाने वाली नौकरानियां नहीं। भूल हो गई, अपने हाथों से खाना पकाया था, सोचा थोड़ा सा आपके लिए भी भेज दो। अजी, अपने हाथ का पका खाना खिलाने का इतने शौक था तो डिब्बा लेके होटल चली आती। बाबा कह दिया ना, भूल हो गई थी। तुम्हारी ये छोटी सी भूल मेरे सारे बिजनेस का सत्यानाश कर देती। लोग तो यही कहते कि बिल्लू के होटल का खाना मिट्टी के तेल में बनता होगा और अपने लिए घर से असली घी का खाना मंगवाते हैं। हम जो दुनिया को खिलाते हैं वही खुद खाते हैं। जिस चीज का प्रचार हम करते हैं बड़ी बड़ी गवर्नमेंटें भी नहीं करती, और अगर करती तो आज सारी दुनिया के लोग सुखी होते। मैं मानती हूँ कि आप देवता हैं, भगवान हैं, लेकिन अब तो गुस्सा थूक दीजिए। अजीब लड़की है, पहले गुस्सा दिलाती है फिर बोलती है गुस्सा थूक दीजिए। एक दाल रोटी खाने वाले को हलवा पूरी भेजने की क्या जरूरत थी? लो, वो कहानी सुनाओ मुझे, क्या हुआ फिर? हा? उस लकड़हारे के बच्चे ने अमीर होकर उस गरीब लड़की से शादी किया नहीं? अगर आप जैसा हुस्सैला जोशीला और भड़कीला आदमी होता तो कभी करता भी नहीं, लेकिन उस बेचारे ने तो कर ही ली। क्या कहा, हम गुस्सीले हैं, हम जोशीले हैं, हम भड़कीले हैं? अरे बुद्धू, हम तो दाल के पतीले हैं, जिसने प्यार से कड़छी घुमाई बस उसी के हो लिए। 4 दिन की तो जिंदगी है, जो प्यार से कटे सो अपनी, बाकी न थूराम की।
सेठ दुर्गादास प्रोप्राइटर श्रीमान मिल्स। माफ करना। अच्छा ये तो बताइए आप यहाँ कैसे आए? आप भी कमाल करती है, मैं तो यहाँ का मालिक हूँ। मालिक हैं? तो आप ही का नाम सेठ दुर्गादास है? नहीं नहीं, वो तो मेरे नाने का नाम है। नाना? हाँ नाना, वो मेरी माँ की सौतेली बेटी के सगे लड़के की सौतेली मासी के बेटे हैं, जिनका नाम सेठ दुर्गादास है, यानी कि मेरे नाना। हाँ? और मैं उनकी जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। I am the whole and soul of the नाना। अच्छा तो आप अपने नाना जी से कहकर मेरा एक छोटा सा काम करवा देंगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या काम है। मेरे नाना तो धर्म कर्म की जीती जागती मूर्ति है, वो कभी इनकार नहीं करेंगे। मेरी सिफारिश करवा के मुझे मिल में कहीं भी नौकरी दिलवा दीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। हाँ हाँ, आइए 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 आइए। नौकरी की क्या बात है, मैं अपने नाना से कह दूंगा, वो आपको पूरी मिल दे देंगे। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी माँ से बहुत घबराता हूँ, कहीं उनको पता चल गया कि मैंने कन्या को नौकरी दिलवाई है, वो मेरी चमड़ी उधेड़ के रख देंगी। अच्छा तो मैं खुद बात कर लेती हूँ। हाँ, आप जल्दी जाइए, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। क्यों? शायद आपके बालों का फूल आज फिर गिर जाए। लेकिन आज तो मैंने बालों में फूल लगाए ही नहीं। तो क्या हुआ, जिस भगवान ने सर पे बाल उगाए वो फूल भी उगा सकता है। नाना जी, आपकी कॉफी और दवा रखी है, पी लीजिए, मैं फिल्मी गानों का प्रोग्राम सुन रही हूँ। श्रीमान जी दवा पी लीजिए, भगवान करे इस दवा से आपके सारे रोग दूर हो जाए। क्या कहा? कहते हैं दवा देने के वक्त नियत अच्छी होनी चाहिए। तुम कौन हो? मैं जी मैं गायत्री हूँ। गायत्री? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। वो तो वेद मंत्र है, मेरा नाम गायत्री है। ये नाम कान में पड़ने से तो जीवन सफल हो जाता है। क्या तुम रेखा की सहेली हो? नहीं। तो क्या मेरे घर की चंडाल चौकड़ी के किसी मेंबर की रिश्तेदार हो? जी रिश्ता तो हर आदमी का आदमी से होता है, और फिर मैंने सुन रखा है कि आप हर गरीब और जरूरतमंद से रिश्ता रखते हैं, इसलिए आप मेरे भी तो रिश्तेदार हुए। ये तुमसे किसने कहा? मैं एक अमीर आदमी हूँ, और अमीर आदमी किसी गरीब आदमी का दोस्त नहीं हो सकता। जी अमीर हो या गरीब, हर आदमी एक तरह का तो नहीं होता। अच्छा, आज बहुत दिनों के बाद कुछ मीठी बातें सुन रहा हूँ। बैठो बैठो बैठो। जी नहीं शुक्रिया। वाह, पहले तो रिश्ता काट रही थी, अब मेरा हुक्म टाल रही हो। नहीं दादाजी। दादाजी? दादाजी तुमने मुझे दादाजी कहा, फिर तो तुम्हें बैठना ही होगा। बैठो बैठो। अच्छा हाँ, अब कहो कौन हो तुम? क्या काम है मुझसे? अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करा दूंगा, और अगर शादी हो गई और पति से झगड़ा है तो सुलह करा दूंगा। नहीं दादाजी, बात यह है कि मुझे आपके मिल में एक नौकरी की जरूरत है। मिल में नौकरी? जी। दादाजी आप हंस क्यों रहे हैं? इसलिए कि तू धान पान छुई मुई जैसी लड़की मिल में क्या काम करेगी? मेरी मिल में तो बड़े बड़े सांप बिच्छू हैं, जो घूर घूर के तेरा बदल मैला कर देंगे। अच्छा सुनो, तुम मेरे घर में काम करोगी? जी जरूर करूंगी, मुझे चूल्हा चौका घर की सफाई देखभाल सब कुछ आता है। हरी पगली, घर की सफाई के लिए मैंने दर्जनों भर्ती करके रखे हैं। ओ। तू मेरी सेक्रेटरी होगी। हा? वक्त पे मुझे दवा पिलाएगी, वक्त पे खाना खिलाएगी, वक्त पे सुलाएगी, वक्त पे जगाएगी। हा? ये काम होगा तुम्हारा? जी मुझे मंजूर है। अब मेरा बुढ़ापा सुधर गया। अच्छा आज से तुम्हारी नौकरी शुरू, और सबसे पहले तुम्हारा काम यह है कि आज ही काफी मेरे लिए बना और आज ही काफी अपने लिए। मशीन गायत्री। अरे ये मेरी बहने रो क्यों रही है? क्या हो तुम्हें?
छोड़ के जा रही है? कहाँ जा रही है? सुनिए, मुझे नौकरी मिल गई है। खाना बनाने की या कपड़े धोने की? नहीं, वो मिल के मालिक है ना, मुझे उनके यहाँ नौकरी मिल गई है। लेकिन उनकी शर्त ये है कि रहना भी वहीं होगा। अच्छा, तो बंगला देखते ही झोपड़े को भूल गई। और ये जो टैप की मशीन मैं उधार लाया हूँ, इसको अंगीठी बना के इस पर रोटियां बनाया करूंगा। देख गायत्री, ये बात अच्छी नहीं। मैंने तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त किया और तुमने अपने आप नौकरी ढूंढ के मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। भैया, दीदी से बात मत करो, कट्टी कर दो। तू चुप रह मानो। साफ साफ बताओ, तुम घर छोड़कर जा रही हो गायत्री? जी, दिल तो मेरा भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ, नौकरी का सवाल है, जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, जाना ही पड़ेगा। ना जाने लोग क्यों बिन बुलाए किसी के घर आ जाते हैं। आते हैं तो इतना प्यार बढ़ाने की क्या जरूरत है। आए बैठे, इन छोटी छोटी बच्चों के दिल में जगह बना ली, अब उनका दिल तोड़ दिया। शानो मानो की बच्ची, तुम्हें किसने कहा था ऐसे अपनी दीदी बनाओ? हमारी दीदी बड़ी अच्छी है, हमारा बड़ा ख्याल रखती है। भैया, हमारी दीदी बड़ी अच्छी है। तू चुप रह, अगर तेरी दीदी अच्छी है तो अपनी अच्छी दीदी के साथ तुम सब जाओ, मेरा क्या। मैं दीवारों से बातें करूंगा। छोटी ठन्नी आकर खोटी निकली ना, लेकिन ये मत समझना मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। दिल का सच्चा आदमी हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। तुम्हारे चले जाने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, कोई आफत नहीं आ जाएगी। हाँ, इतना जरूर होगा, ये बच्चियां तुम्हारी याद में रो रो कर घुल जाएंगी। इनका दुख देखकर मैं होटल बंद कर दूंगा, होटल बंद करके यहाँ बैठ जाऊंगा। होटल बंद हो गया तो मजदूर भूखे मरेंगे, मजदूर भूखे मरेंगे तो मिल बंद हो जाएगी, और तेरा वो सेठ कंगाल होकर रह जाएगा। सेठ कंगाल हो गया, तुम्हारी नौकरी की छुट्टी। फिर देखता हूँ कहाँ जाती हो, घूम फिर के यहीं आओगी, लेकिन उस वक्त यहाँ कौन होगा? कोई नहीं होगा। जाओ गायत्री देवी, जल्दी जाओ, बंगले की नौकरी छूट जाएगी। चल जल्दी जाओ। दीदी दीदी मत जाओ, मत जाओ दीदी, मान जाओ ना। मत जाओ दीदी, मान जाओ, मान जाओ ना दीदी। अच्छा बाबा, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं सेठ जी को समझा दूंगी, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। बस सुबह नौकरी पर जाया करूंगी और शाम को तुम सबके पास लौट आऊंगी। अच्छी दीदी। भैया भैया भैया, नहीं जाएगी, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। कैसा अपनी दीदी से जाए यहाँ से, हमें रहम की भीख मांगने की आदत नहीं। नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम जिद के बड़े पक्के हैं। एक दफा बिगड़ गए बिगड़ गए, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। वो तो लूटा है मना लेंगे, वो तो बिगला है बना लेंगे, वो तो लोटा है हंसा लेंगे। बहला लेंगे।
लिए दवा पी लीजिए। मैं आपके लिए दवा लाई हूँ, पी लीजिए ना। नहीं नहीं, दवा बहुत कड़वी होती है, मुझे तो जिंदगी में मिठास की जरूरत है। देखिए आप इनकार नहीं कर सकते, पी लीजिए, नहीं तो मैं नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी। अरे सुनो सुनो गायत्री, सुनो, तुम नौकरी छोड़कर चली जाओगी फिर तो पीनी ही पड़ेगी। गायत्री बात यह है कि इस घर में हर कोई मुझ पे हुक्म चलाता है, तुम तो जरा मुझसे प्यार से मेरी मिन्नत समाजत करके मुझे दवा पिला। राजा बेटा जिद नहीं करते, बुरी बात, देखो दवा पी लो, मैं तुम्हें ट्राइसिकल दिलाऊंगी, सर्कस दिखाऊंगी। नहीं 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 ऐसे नहीं, मैं कोई दूर की ना बच्चा हूं। तो फिर कैसे हूं? कहो दादाजी दवा पी दीजिए। मैं जानती हूँ आपका मन दादा का शब्द सुनने के लिए तड़पता रहता है। अच्छा दादाजी दवा पी लीजिए। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। जो काम अपने ना कर सके वो एक नर्स ने कर दिया, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। डॉक्टर ये नर्स नहीं गायत्री है, मेरी सेक्रेटरी। अगर ऐसी सेक्रेटरी आपके पास एक बरस पहले आ जाती तो आज आप सोफे पर बैठने की बजाय बॉक्सिंग कर रहे होते। लड़की जरा दीदी खोल के चलो। अरे चल देखे बगैर चलती है। चाचा जी मैं तो सिर्फ ये विनती कर रही हूँ कि हमारे होते हुए ये जवान रोग आपने कहाँ से पाल लिया। अनोखे बेचारा तो तकिए में मुंह डाल डाल के रोता है कि नाना जी उसे सेवा का मौका ही नहीं देते। आखिर आप ही का खून है, आपका राजपाट भी तो उसी ने संभालना है। सतवंती लेकिन ये राजपाट की बात मेरे सामने मत किया करो। चाचा जी बहु बेटियां बाप सुसर की दौलत पर नहीं अकड़ेंगी तो और किस पर अकड़ेंगी। जमाने की नजर बहुत बुरी होती है, आप जितनी जल्दी अनोखे को कानूनी तौर पर गोद ले लेंगे उतनी ही जल्दी जमाने का मुंह बंद हो जाएगा। फिर वही गोद लेने की बात, रेडियो भी बदल बदल कर रिकॉर्ड बजाता है लेकिन तुम वही एक रिकॉर्ड बजाओगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लिख के दे दूं कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। हाय हाय कैसी बातें कर रहे हैं आप, मरे आपके दुश्मन। क्यों अपने आप को गाली दे रही हो? जी जाओ तुम्हारे पान खत्म हो गए। जी दौलत जी ये सब खाना किसके लिए? सेठ जी के लिए। सेठ जी के लिए जरा देखूं तो छटाक भर बैगन में पाव भर लाल मिर्च, दाल में काली मिर्च और पुलाव में हरी मिर्च। आखिर तुम्हें सादा खाना पकाने के लिए क्या तकलीफ होती है? बीबी जी सादा खाना बनाकर सतुंती माई का भाषण कौन सुनेगा? सच कहते हो दौलत, मिर्च के बगैर खाना ऐसे होता है जैसे चांद के बगैर पूर्णमासी की रात, कोयले के बगैर इंजन और पानी के बगैर कुआं। आप बड़ी खुशी से लाल काली और हरी मिर्च खाइए, लेकिन सेठ जी को मिर्च मसाले से डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है। अरे भाड़ में गए आजकल के डॉक्टर, आ जाते हैं गले में टूटी लटकाकर। दौलत जी अच्छी तरह से सुन लो जी, सेठ जी के लिए मूंग की खिचड़ी, उबली हुई सब्जी, दही और एक नींबू जल्दी से काट के लाओ। आज मुद्दत के बाद घरेलू खाना खाया है, ऐसा जान पड़ता है कि इस खाने को किसी भाग्यवान का हाथ लगा है। चाचा जी आज खाना मैंने खुद बनाया है, ये नौकर लोग न जाने रोज आपको क्या अलगम बलगम खिला देते हैं कि आपके चेहरे पे रौनक आने का नाम ही नहीं लेते। दाल चावल मैंने खुद अपने हाथों से साफ किए, जीरा मसल मसल के बघारा है। ए लड़की तू क्या हंसे जा रही है? हंसो बेटी हंसो। सतवंती जी रोते को दिलासा देते हैं लेकिन हंसते हुए नहीं रोकते, समझी? जी दादाजी चलिए अब आप आराम कीजिए। चलो दादाजी चलिए आराम कीजिए। गायत्री जी दादाजी आज पहली तारीख है ना, घर के नौकर चाकरों की तनख्वाह देनी है, ये लो चाबी। लाइए चाचा जी। सतवंती अब मैंने ये काम गायत्री को सौंप दिया है, कितने बरसों से चाबियों का बोझ तुम उठाती चली आ रही। लेकिन चाचा जी अब तुम्हारी उम्र आराम करने की है, अपने पान छालिए का खर्च भी गायत्री से ले लिया करना। ये लो बेटी। लेकिन दादाजी मैं तो ये भी नहीं जानती कि इस घर में किसकी क्या तनख्वाह है।
मैंने खन्ना साहब को बुलवा भेजा है, वो तुम्हें सब समझा देंगे। सेठ जी, आपने याद किया, मैं हाजिर हूँ। हाँ खन्ना साहब, भारत से हमारी होम मिनिस्टर गायत्री है। आज पहली तारीख है, नौकर चाकर दरबान माली किसकी क्या तनख्वाह है इन्हें सब समझा दीजिए। बहुत अच्छा, आइए। नए वादे की मुबारक हो, भगवान करे जिंदगी में हम एक दूसरे के काम आते रहे। देख लिया आपने, इस घर का रंग बदल रहा है और बुड्ढे की आवाज भी। मौसी, सुपारी हाथ से नहीं सरोते से काटी जाती। खन्ना साहब, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब से ये नई सेक्रेटरी गायत्री इस घर में आई है, हम लोगों की बदनसीबी का सितारा चमक उठा है। ना जाने इस लड़की के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि इसने चंद ही दिनों में सेठ दुर्गादास जी को अपने बस में कर लिया है कि भाई मुझे तो डर लगने लग गया है, कहीं सेठ जी प्राण छोड़ने से पहले अपनी सारी दौलत इसके नाम ना कर दें। हाय राम, चाचा जी बेशक मर जाए लेकिन जायदाद मेरे अनोखे के नाम पर लिख जाए। वैसे तो मेरी सास की बहन थी जो अनोखे को गोद लेना चाहती थी, वो भी कोई 8-10 लाख की मालकिन होगी, मगर मैंने इनकार कर दिया। अब ना मैं वहां की रही ना यहाँ की रही। मौसी, जिसकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हो वो लखपति क्यों बनेगा? अन्ना साहब, अपना वो कल रात वाला पॉइंट, मेरा मतलब है वो नुक्ता, आप अपनी मौसी को समझा दीजिए। हाँ हाँ, मौसी, इंसान जिंदा किसके लिए रहता है? यही अपने बाल बच्चों के लिए। तो बहन जी, अपनी कौन सी लंबी चौड़ी औलाद है, ले देखे एक मेरी रेखा, आपका अनोखे। आप मेरी रेखा का ध्यान रखिए और खन्ना साहब अनोखे को ठिकाने लगा देंगे। हाँ मौसी, पहले अनोखे और रेखा की शादी का वादा करो, फिर देखो हमारा मायजाल। इकबाल भैया, डूबते को तिनके का सहारा मुझे मंजूर है, लेकिन गोद तो अनोखे को ही लिया जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल मौसी। ये हक उसी का है, हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हैं। बस तो फिर ये बोझ मैंने तुम दोनों के कंधों पर छोड़ दिया, आप लोग जो कह रहे हैं मुझे मंजूर है। इकबाल भैया, बधाई हो। अजी बधाइयां बहन जी को। हेलो बुड्ढे बाबा, अरे बहरा है। माली है इधर का? अरे तू माली है इधर का? हाँ माली। वाह रे हिंदुस्तान, गरीब लोगों को पेट पालने के लिए इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। तुम कौन हो गरीबों के हमदर्द? और कौन हो सकता है गरीबों का हमदर्द, गरीब बिल्लू सेठ। क्यों बाबा, कोई बाल बच्चा नहीं है तुम्हारा जो बूढ़ी हड्डियों को रगड़ रहे हो? 60 से कम उम्र नहीं होगी तेरी। ये सेठ पगार क्या देता है तुम्हें? 25 रुपए महीने और एक वक्त की रोटी। सत्यानाश, 25 रुपए महीना एक वक्त की रोटी? एक काम करो, दूसरे वक्त की रोटी अपने होटल पे खाया करो। तुम्हारा होटल कहाँ है? अरे तुम्हारे सेठ की मिल के बाहर ही तो है, और सारे शहर में एक ही होटल है जहाँ उधार खाने को मिलता है। अच्छा, तुम लोगों को उधार भी खिलाते हो? अरे भड़ो, ऊपर वाला हमें उधार देता है, हम दुनिया को उधार दे देते हैं। अब देखो, तुम्हारे सेठ की मिल में तुम्हारी उम्र के बूढ़े मजदूर काम करते हैं, बेचारों को जो पगार मिलती है उसे वो अपना पेट भरेंगे अपने बाल बच्चों का, क्या करें बेचारे। और तुम्हारा सेठ तो रेशम की चादर टांग के घर में पड़ा रहता है, अरे कभी तो जाके देखना चाहिए कि बेचारे मजदूरों की क्या दुर्दशा है। पढ़ाया सेठ कहीं का। अब देखो बड़ो, मशीन घिस जाती है उसे भी तेल की जरूरत पड़ती है, बेचारे मजदूर तो घिसे ही जा रहे हैं, घिसे ही जा रहे हैं। बच्चे, ऐसी बात नहीं, बाबा नानक ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। अपना सेठ भी बहुत दुखिया है, उसका एक ही पोता है, इसका कोई अता पता नहीं, दिन रात उसकी तलाश में घूम रहा है। अरे पोते का इतना गम, बच्चों की कोई परवाह नहीं? बच्चा तो सिर्फ उसका एक ही था जो कभी का मर चुका। और ये जो मिल में इतने मजदूर काम करते हो क्या उसके बाप है? बच्चे ही तो है उसके। देख बड़ाऊ, ये सब समझ का हेर फेर है। बेटा, मुझे बार बार बड़ाऊ मत कहो। राम, मुझे पता होता बड़ाऊ कहने से आपको बुरा लगेगा तो मैं आपको दादा कहता। हाँ दादाजी कहो, मैं हूं भी तो तुम्हारे दादाजी की उम्र का। दादा, यहाँ एक लड़की काम करती है ना? वो गायत्री, वो तुम्हें क्या लगती है? नहीं लगती वक्ती कुछ नहीं, तुम एक काम करो जरा उसे बाहर भेज दो। वो तो आधे घंटा वो चली गई। चली गई? हत तेरे,
मैं यहाँ आया, सुसरी घर चलेगी। समोसों का सत्यानाश। समोसे? हाँ, उसके लिए गरम गरम समोसे बना के लाया था, लेकिन दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम बढ़ाऊ। अरे नहीं दादा, ये तुम कहो। है वाह वाह, बहुत दिनों के बाद असली घी का समोसा देखा। पसंद आए तो सुनो, सोमवार बुधवार शनिवार तीन दिन अपने होटल पे समोसे बनते हैं। बुद्धे खुसर से आंख बचा के आके खा जाएगा। लेकिन तुम उससे पैसे तो नहीं लोगे? कमाल है, 25 रुपए के तुम माली, क्या नंगी नहाए क्या निचोड़े। और फिर दादा कहा है तो पोता बन के निभाऊंगा भी, और संगम होटल को अपने पोते का होटल समझना। जयराम जी की दादा। जयराम जी। अरे बुढ़ा बाबा, तरक्की हो गई तुम्हारी? गाड़ी में मालिक से पूछ कर बैठे हैं ना। चुप करो। चुप रहने की बात है, देख नहीं रही आज तो कपड़े भी मालिक के पहन रखे हैं। मालिक ही तो है। तो कहती मारती क्यों, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एकदम मालिक दिख रहे हैं 16:15 ने। तो फिर मालिक को मालिक समझ कर बात करो। ठीक है, अपने लिए तो सब मालिक है, ग्राहक भी मालिक, तुम भी मालिक, ये माली भी मालिक। तुम तो कुछ भी नहीं समझते, जरा समझने की कोशिश करो। ये श्रीमान मिलके, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये श्रीमान मिलके मालिक के माली हैं। परसों ही तो गर्मा गर्म समोसे और कचौरियाँ खिला के आया हूँ। बिल्लू, बाग के पौधों में पानी देना इनका शौक है। वैसे श्रीमान मिलके मालिक है, सेठ दुर्गा दास, समझे? राम राम मालिक। राम राम मालिक। राम राम मालिक। नमस्ते मालिक। सेठ जी माफ करना, सेठ जी मैं गलती से आपको माली समझ बैठा, अनपढ़ हूँ, इस मुंह में जो बात आती है बक देता हूँ। मैं सचमुच बुद्धू हूँ सेठ जी, इस भेजे में जो बात बैठ गई बैठ गई, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ। अरे क्या कर रहे हो बिल्लू, पाँव तो तुम्हारे मुझे छूने चाहिए। ऐसा मत कहिए सेठ जी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना घर में बैठे बैठे मुझे कैसे पता चलता कि मिल के अंदर क्या अंधेर गर्दी चल रही है। आज तक मैं यही सोचता था कि मेरी मिल में काम करने वाला हर आदमी सुखी है। अच्छा देखो, आज हम तुम्हारे मेहमान हैं, समोसे कचौड़ियां नहीं खिलाओगे? क्यों शर्मिंदा करते हैं सरकार, आप राजा हम प्रजा, ये तो गरीबों के निवाले हैं। बेटे, अमीरी के मुंह पे थप्पड़ मत मारो, सच कहता हूं उस दिन समोसे खाकर जो मुझे मजा आया था, वो मजा मैं अपनी सारी दौलत से नहीं खरीद सकता। खिलाओ ना, आज भी खिलाओ। लाया सरकार। गायत्री, भगवान का एक रूप दरिद्र नारायण भी होता है। लीजिए सेठ। वाह 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 गायत्री, हमारे घर के समोसे में ऐसा मसाला क्यों नहीं पड़ता? हर हाथ में अपनी अपनी खुशबू होती है। अच्छा बेटे, कितने पैसे? नहीं नहीं सेठ जी, पैसे नहीं चाहिए। ऐसी भी क्या बात है, नहीं चाहिए सेठ जी। गायत्री, तुम्हारे पास कुछ चेंज? मैं पर्स लाना भूल गया। चेंज तो मेरे पास भी नहीं है। इस होटल की रीति कुछ ऐसी है, यहाँ करोड़पति भी आता है तो उधार खाता है। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज तो इस संगम होटल की तकदीर खुल गई, जो आपके कदम इसकी दहलीज पर पड़े। तकदीर तो मेरी खुल गई, जो तुम जैसे नेक आदमी से मेरी जान पहचान बढ़ गई। क्या कह रहे हैं आप, बड़ा बताया। अच्छा चलते हैं। अच्छा राम राम सेठ जी। सेठ जी किसे कह रहे हो? बूढ़ा बाबा कहो। नहीं बिल्लू, ये लो हमारा 6 महीने का हिसाब। ये लो भाई मेरा भी, आज तक का हिसाब चुकता। अरे वाह। अरे बोल बिल्लू, मेरे नाम कितने पैसे हैं? ये देने वाला जाने, जितने हैं ठीक होंगे, पर ये कि आज कहीं नोटों की बारिश हुई है। बिल्लू सेठ, आज बरसों के बाद अचानक सेठ मिल में आ गए, आकर मजदूरों की दुर्दशा देखी और मैनेजर को हुक्म दिया कि आज ही सबको 6 महीने का बोनस मिल जाना चाहिए। अरे जय हो सेठ जी की। और हम सबको हदायत की कि बाहर संगम होटल वाले का हिसाब चुकता करके अपने घर जाना। ये लो। अरे वाह ऊपर वाले, तुमने बैठे बिठाए आज हजारपति बना दिया बिल्लू को। आज गायत्री देवी की सेवा करनी चाहिए।
ए शानो मानो रानो, देखो मैं तुम्हारे लिए 3 टिकट लाया हूँ पिक्चर की। कौन सी पिक्चर लगी है? अरे बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, क्या नाम है उसका, ब्रह्मचारी। आज आखिरी दिन है, कल उतर जाएगी। भैया वो तो पिक्चर आज ही लगी है। अरे तू क्या मुझसे ज्यादा सियानी है? भैया तुम भी चलेंगे ना? अब मैं भी तुम्हारे साथ चला गया तो फिर शाम का खाना कौन बनाएगा? फिर शो खत्म होते ही मैं तुम लोगों को लेने आ जाऊंगा। हम अकेले नहीं जाएंगे भैया, हम दीदी के साथ जाएंगे। दीदी के साथ जाएंगे? दीदी शाम को थकी हारी घर आएगी, तुम्हारे साथ सिनेमा देखने जाएगी, और उसको बेचारी को शौक भी तो नहीं है। बच्चे बात को समझा करो। भैया मेरी आंख दुख रही है। भैया मेरा सर दुख रहा है। ओफो, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है और तुम्हारी आंख में दर्द है। आज तक तुमने भाई का कहना नहीं टाला, मैंने पूरे 9 रुपए तुम्हारी टिकटों के लिए खर्च किए हैं। मिली मुनिया, तू पिक्चर देखेगी ना तो तेरी आंख ठीक हो जाएगी और तेरा सर भी ठीक हो जाएगा। ले जाओ ना इनको। अच्छा भैया। और देखो ठहरो, ये लो 1, 2, 3 3 रुपए लेके जाओ, इनको कुछ खिला पिला देना और तुम खुद भी खा देना है। चलो शाबाश। हाय शाबाश। अरे बात में लेके जा इनको। कभी कभी भेजा खा जाती है। अब ये मेम साहब शो से पहले पहले आ जाए तो अच्छा। सुना सुना क्या लग रहा है? आप आए बाहर आई। पर वो शानू मानू रानू सब कहाँ हैं? बेचारी सारा दिन घर में बंद रहती हैं, आज मुझसे पूछ के वो सड़क के पास जो बाग है ना वहाँ घूमने चली गई। मैंने बहुत कहा तुम्हारी दीदी आएगी तुम्हें घुमा लाएगी, पर बच्चों की जिद के सामने तो भगवान भी हार जाता है। ये इधर उधर क्या देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन तो रही हूँ। सुन क्या खाक रही हो? हमारी तरफ तो तुम कभी ध्यान ही नहीं देती। जरा इधर देखो, आज हम कुछ बदले बदले नजर नहीं आ रहे। जैसे आप कल थे वैसे तो आज भी हैं। तुम्हारी आप मुझे बहुत खलती है। जब देखो आप, मैं कोई पुलिस का ऑफिसर हूं, दाल रोटी बेचने वाला सीधा साधा इंसान हूं, जरा मुझे तुम कहकर बुलाया करो। देखिए आप फिर आप उफ, जब तुम मुझे आप कहती हो ना तो ऐसे लगता है जैसे मैं तुम्हारा मौसा या फूफा हूं। क्या उम्र क्या होगी तुम्हारी? मेरी 22 बरस। 22 बरस और अपनी 27 बरस? अब 5 साल का फर्क तो होना ही चाहिए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बहकी बातें क्यों? क्या कहा मैंने? इस पैकेट में क्या है? किस पैकेट में? वो जो पीठ के पीछे। अरे ये हाँ। अरे ये मैं, मेरी एक भांजी है, मैं उसके लिए साड़ी लाया था। तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं, अब ये भांजी कहाँ से आ गई? है एक मेरी मुंह बोली बहन है, उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो जाके उसको दिया ना। गायत्री दरअसल बात यह है कि मैंने आज तक किसी जवान लड़की के लिए कभी कपड़ा नहीं खरीदा। तुम एक काम करो, इसे एक बार पहन के ट्राई मार दो, देखो तुम्हारे बदन पे कैसा लगता है। किसी की चीज मैं क्यों पहनूं? ओफो, तुम्हारे पहनने से जो पुरानी थोड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, नहीं। एक बार पहन लो ना। एक बार पहन लो, एक बार। अच्छा बाबा। क्या स्टाइल है। क्यों? साड़ी ऐसे पहनते हैं? तो फिर कैसे? मैं बताता हूँ, तुम ये मत समझना कि मैं सिर्फ भजिया बनाना जानता हूँ, मुझे साड़ी पहनानी भी आती है। अच्छा। देखो घूमो जरा। तेरा मेरा प्यार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु, तेरा मेरा प्यार शुरू। अब जरा तू भी हो जा यार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु, तेरा मेरा प्यार शुरू। सरे बाजार शुरू हुआ मजेदार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु, तेरा मेरा प्यार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु, तेरा मेरा प्यार शुरू।
मोहब्बत का मतलब है क्या, कल तक ये जाना न था। ओ दिल ने किसी को कभी अपना तो माना न था। ओ नैनों से नैन मिले नया संसार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू। ओ जी चाहता है मेरा अब चल के रहे हम वहाँ, ओ झुक झुक के मिलता जहाँ, इस जमी से गले आसमां। हाँ कर लेंगे वहाँ कोई नया कारोबार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू। पतली पतंग सी कुड़ी ओ हाथ मेरे लग गई ये, ओ कोठड़ी अनेरी दे विच इक लालटेन जग पईए। ओ गर्मा गर्म हुआ प्यार लच्छेदार शुरू, आह तुरुरुरु तुरुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू। अब जरा तू भी हो जा यार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू, तुरुरुरु तुरुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू। रु 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 रु। अरे सिनेमा क्या खत्म हो गया भैया? अभी तो शुरू हुआ है। भैया ये लो टिकटे। सिनेमा? अच्छा मुझसे भी झूठ है, बहनों से भी झूठ? हाँ कसम से जिंदगी में पहली बार चोरी की थी, वो भी पकड़ी गई। बुद्धू हो ना, इसे किसी तो करना नहीं आता। हर किस्म की दाल गला लेता हूँ पर ये दाल नहीं गल सकी। भाइयों जी भर के खाना, जितना ज्यादा तुम खाओगे उतनी ही मेरे पिताजी की आत्मा प्रसन्न होगी। बिल्लू सेठ धन्य है वो बाप जिसका बेटा ऐसी धूमधाम से उसका श्राद्ध मनाता है, हमने तो उस महापुरुष के दर्शन ही नहीं किए। जब मैंने उनके दर्शन नहीं किए तो आप कैसे कर सकते थे? मैं छोटा ही था जब मेरे माँ बाप गुजर गए, बस उनकी एक निशानी एक तस्वीर बाकी रह गई है। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? मैंने तो कभी नहीं देखी। अरे तुमने नहीं देखी वो तस्वीर? मैंने अलमारी में रखी हुई है। चलो ना मुझे दिखा दो, मैं भी उनके दर्शन कर लूं। अभी इस वक्त? हाँ चलो ना, चलो आओ। बेटा लड्डू देना। ये रही तस्वीर, ये है मेरे पिताजी और ये मेरी माताजी। आपकी माताजी तो साक्षात लक्ष्मी लगती है। और मेरे पिताजी? बिल्कुल देवता। अच्छा देवी और देवता का ये पुत्र आपको कैसा लगता है? क्यों हंस क्यों रही हैं? मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? जी 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 जी, भला देवी और देवता की संतान ऐसी कैसी हो सकती है? हुँ? तो फिर पास कर दिया मुझे। भैया भैया 10 में से 10 नंबर मिले। 10 में से 10? अच्छा अब तुम तीनों अपनी दीदी को नंबर दो। मैं देती हूँ भैया, हमारी दीदी को 100 में से 10 नंबर, मोटी मोटी आँखों के, 10 नंबर पतली पतली प्यारी नाक के, ये तो है 20, बाकी है 80, 80 में से 70 नंबर मीठी मीठी बातों के। अच्छा जी। लेकिन मानो ये 10 नंबर किस लिए रखी है? भैया 10 नंबर तुम्हारे लिए रखे हैं, तुम दे दो ना। अरे भाषरी रहोगे तुम, चलो चलो भागो यहाँ से। तो बाकी 10 नंबर मैं दूं? छेड़िए नहीं, मेरी तो जान निकली जा रही है। जिस दिन तुम्हारी जान निकलेगी उसी दिन हमारी जान भी निकल जाएगी। हम तो नंबर देंगे जी
दो नंबर काले काले बालों के, दो नंबर टमाटर जैसे गालों के, और दो नंबर मोरनी जैसी चाल के। बाकी के चार नंबर हम बचा के रख लेते हैं उस दिन के लिए। बताओ किस दिन के लिए? मैं क्या जानूं? बताओ बताओ, बता देता हूँ अभी। मेरे बच्चे, तेरी जुदाई में जितना जी सकता था जी लिया, अब तो एक एक सांस आरी की तरह चल रही है। मैं भी तेरे पास आ रहा हूं, इस दुनिया में तो मिलाप न हो सका लेकिन वहां तो जरूर होगा। नाना जी शुद्ध भोजन तैयार। नाना जी हो, हो, अरे मालूम होता है बेचारे नाना जी चल बसे। हो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ओ नाना जी, ओ क्या सेठ जी मर गए? नहीं नहीं, वो वसीयत दिए बगैर कैसे मर सकते हैं? नाना जी चले गए हमेशा के लिए। अरे सुनो, ये सब चीजें तुम्हारी तो हैं, मैं कौन सा उठाकर परलोक में ले जा रहा हूँ? सेठ जी आप बेहोश हो गए थे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। अरे चाचा जी शुभ शुभ बोलिए। अनोखे हाँ जी, गायत्री को बुला लो। अच्छा, अंत समय मुझे रामायण पढ़कर सुना है। हाँ हाँ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, अभी तो आपको बहुत जीना है, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर, मैं भी सोच रहा था कि श्रीमान दुर्गादास जैसे सच्चे हिंदू पंडित की गैर मौजूदगी में कैसे प्राण छोड़ सकते हैं। वैसे तो श्रीमान का जीवन पूर्ण जीवन था, किंतु शास्त्र अनुसार एक बात की त्रुटि है। हमारा धर्म कहता है कि जिस आदमी की संतान ना हो उसे स्वर्ग और नर्क दोनों स्वीकार नहीं करते। हाँ हाँ पंडित जी, आप ये बतलाइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। आपको क्या करना है, मुसीबत तो मेरी है, धर्मराज मेरी गर्दन पकड़ेंगे और पूछेंगे शास्त्री जी आपको इस वास्ते जन्म दिया था कि आप अपने करोड़पति जजमान को बगैर संतान मेरे पास भेज दे। अपना बेटा नहीं तो क्या हुआ, किसी रिश्तेदार को ही वारिस बना लिया होता, जो मरते समय इनके मुंह में गंगा जल डालता और इनके मृत शरीर को अग्नि देता। अरे आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, जल्दी करो, मुझे इसी वक्त एक लड़के की जरूरत है। लड़का? पंडित जी लड़का बगल में ढिंडोरा शहर में, अनोखे भी तो सेठ जी का ही बेटा है, आप इस रिश्ते पर धर्म की मोहर लगा दीजिए। लेकिन ये धर्म की मोहर लगेगी कैसे? मैं अभी अभी सामग्री तैयार करता हूँ, श्रीमान दुर्गादास जी धर्म अनुसार अनोखे को गोद ले ले। हाँ हाँ, लेकिन सतंती बहन को ये बात मंजूर हो तो ना। अरे मौसी बेचारी क्या कहेगी, लेकिन सेठ जी एक बार अपने मुँह से हाँ तो कह दे। श्रीमान जी आपकी आज्ञा है, बोलिए ना। चाचा जी बोलिए। सेठ जी बोलिए ना। तुम लोगों को जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन जल्दी करो। अरे अनोखे चल बेटे जल्दी चल, अरे जल्दी जल्दी यहाँ बैठ जा। अरे दौलत कहाँ मर गया तू? आया जी। रामू, ओ रामू। शास्त्री जी जरा जल्दी जल्दी क्रियाक्रम की तैयारियां कीजिए। अरे शुभ शुभ कहो बेटा, क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम। आज तुम सेठ जी के मुतमन्ना बनने वाले हो धर्मानुसार, यानी हम गोद लिए जाएंगे, हम वारिस बनेंगे, फिर हम रेखा से शादी करेंगे, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करेंगे, दो या तीन बच्चे लगते हैं घर में अच्छे लालती को। अरे अनोखे बेटा वहां कहां चले गए, इधर आओ। आओ कन्या को वहीं रहने दो, अकेले आओ। अच्छा तुम पीछे बैठो, जल्दी करो हरी अब। अरे गायत्री आज मेरा अनोखे राज सिंहासन पर बैठने वाला है, तू भी आज का खाना यही खाना, और सुन वो होटल वाले को और उसकी बहनों को भी खाने पे बुला लेना, आदमी को खुशी के वक्त में गरीब गुरबा को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा अच्छा जा जल्दी से जाकर चाचा जी को यहाँ ले जा। अरे जा लड़की। दादाजी दादाजी मैंने शुभ समाचार सुन लिया, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया।
दुनिया में कोई ना कोई नाम लेवा तो होना ही चाहिए। मैं तो सुन के बहुत खुश हो गई। दादाजी, दादाजी ये क्या हुआ? आप तो बच्चों की तरह रो रहे हैं। बेटी, बीते हुए दिनों की यादें जब दिल के दरवाजे पे दस्तक देती हैं, तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। दादाजी, लोग कहते हैं कि वक्त हर दुख दर्द का इलाज करता है, लेकिन आपका गम तो वक्त भी नहीं मिटा सका। गायत्री पछतावे की आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की, अमीरी के गुरूर में मैं बर्दाश्त न कर सका कि मेरे घर में एक मामूली घर की लड़की बहू बनकर आए। बेटी, मैंने अपने हाथों अपने बेटे को खो दिया। एक करोड़पति का बेटा, अरे दवा के लिए सिसक सिसक कर मर गया। उसकी आखिरी निशानी मेरा पोता न जाने कहां होगा, किस हाल में होगा। ये है मेरे पिताजी और ये मेरी माताजी। आपकी माताजी तो साक्षात लक्ष्मी लगती है। और मेरे पिताजी? बिल्कुल देवता। दादाजी, ये किसका फोटो है? मेरे दिल के टुकड़े का, जिसके लिए मैं आज तक रो रहा हूं। दादाजी, मैं अभी आई। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? मेरी तस्वीर, मेरी जिंदगी तो देती जाओ। अभी आई दादाजी, अभी आई। मैं उस होटल वाले को बुलाने जा रही हूँ, अभी आई। जल्दी आना। अच्छा, कीमत कितनी है? अरे बेटी, क्या पूछ रही हो? ला, ये फोटो दे दो मुझे। पहले मिल की कीमत बताइए। ये 3-4 करोड़ होगी। मेरी फोटो दे दे दो। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दूं, तो क्या आप अपनी मिल मेरे नाम कर देंगे? कौन सी खुशी? आपका पोता। मेरा पोता कहाँ है वो? इस खुशी के लिए मिल तो क्या मैं अपने आप को मैं गिरवी रख सकता हूँ? देखिए दादाजी, ये आपके बेटे की तस्वीर है ना? हाँ गायत्री। और ये भी। अरे, ये दूसरी तस्वीर कहाँ से आ गई? और आप इन्हें पहचानते हैं ना? हाँ, ये मेरी बहू है। ये तस्वीरें तुम्हारे हाथ कैसे लग गई? बताती हूँ। बिल्लू, गायत्री, बिल्लू, किसी को अंदर नहीं आने देना। तुम इधर आओ। राम राम सेठ जी, आपने मुझे बुलाया। मेरा धंधा खोटा हो रहा है, ये छोकरी मुझे यहाँ खींच के ले आई। देखते क्या हो, इनके पाँव छू। अरे अमीर आदमी के पैर तो गरीब हमेशा ही छूता है। आज कोई खास बात है? दादाजी, आप इसे गले लगा लीजिए, इसका माथा चूम लीजिए। यही इन दोनों का बेटा है, आपका पोता। मेरा पोता? हाँ दादाजी, आपका पोता। ये मेरे दादा है? हाँ बिल्लू, मेरे दादा, मेरा पोता। दादाजी, 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 क्या हुआ? दादाजी, 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 मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता। अनोखे,
बर्फ के लिए किसी को भेजा क्या? नहीं, नौकर भेजा है, आता ही होगा। अच्छा, अभी जैसे आ जाए तो अंदर भिजवा देना और मैं थोड़ी देर से आता हूँ। अनोखी, न जाने अंदर क्या हो रहा है। आ गया गंगा जल लेकर आ गया। क्या हुआ, क्या आत्मा का पंछी उड़ गया? शिव शंकर अंत समय में मुंह में गंगा जल भी नहीं डाला। अरे पंडित जी, प्राण अभी तक बाकी हैं। बाकी हैं? फिर तो ये गंगा जल काम आएगा। शिव शंकर। बर्फ अभी तक नहीं आया सिस्टर? बर्फ तो आ जाएगी। बर्फ आ गई, बर्फ आ गई। जल्दी आओ, जल्दी अंदर जाओ। शिव शंकर, बर्फ आ गई। शिव शंकर बेटा, चिंता मत करो, हमने बर्फ पर गंगा जल छिड़क दिया है। और फिर आज शनिवार है, ज्योतिष विद्या के हिसाब से ऐसी पवित्र आत्मा शनिवार के दिन संसार का त्याग नहीं कर सकती। पंडित जी, क्या शनिवार के दिन स्वर्ग का बुकिंग ऑफिस बंद रहता है? अरे बेटा, शिव शंकर कहो, शिव शंकर। कैसी बात? डॉक्टर, डॉक्टर घबराने की कोई बात नहीं, खतरे घड़ी टल गई। हम लोग अंदर जा सकते हैं? हाँ, तुम लोग अंदर जा सकते हो, मगर मरीज को परेशान मत करना, मैं 4 घंटे के बाद फिर आऊंगा। 4 घंटे तक तो मरीज जिंदा है, जाको आंखें साइयां मार सके ना कोई। चल चल चल, शिव शंकर। मम्मी, आंटी। शिव शंकर। अरे बेटे, बनते बनते तुम्हारी किस्मत फूट गई बेटे, उस होटल वाले ने तुम्हारा राजपाट छीन लिया। हाय, ये पहाड़ क्यों मेरे साथ पे रखा है? हटाओ। नहीं, अरे हटाओ, मैं कहती हूँ। नहीं, अजी हटाइए ना नर्स जी, जब गंगा जल मौजूद है तो बर्फ की क्या जरूरत है? शिव शंकर। अरे पंडित के बच्चे, गंगा जल पीकर तू ही जाकर शमशान में लेट जा। शांत मम्मी, शांत रहो। गोद लेने का गलत मुहूर्त तुमने ही तो निकाला था। सब आ जाओ। आ गया, भगवान मेरी सेठानी के सोए हुए भाग जगा दे, अभी तक मिठाई के टोकरे की आस बाकी है। मौसी घबराना मत, आखिर हम भी तो वकील हैं, कोई ना कोई दूर की कौड़ी ढूंढ लाएंगे। चलिए चलिए। बेटे बेहतर से बेहतरीन सूट सिलवाओ। देखो भाई, जोधपुरी 2 बटन 3 बटन शेरवानी, आजकल सवाल भाई जितने फैशन है सबके नाम देता हूं। दादाजी एक लट्ठे का पजामा और वास्केट सिलवा दीजिए, आप कहेंगे तो एक रेशमी पटका कंधे पे रख लूंगा। बेटे तू श्रीमान मिल का मालिक है, मुद्दत के बाद भगवान ने खर्च करने का मौका दिया है। सेठ जी आराम से बोलिए, आप तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। डॉक्टर, मुद्दत के बाद मेरी जिंदगी के अरमान पूरे हुए हैं। डॉक्टर आज अगर मैं पागल भी हो जाऊं तो मुझे परवाह नहीं। डॉक्टर मुझे परवाह। ओ मर गई बेटा अनोखे, जरा जाके देख, बुड्ढे ने उस होटल वाले को सब कुछ दे दिया या कुछ बाकी बचा भी है। हाय, जाता हूँ। कपड़ों का भंडार। मम्मी, वहाँ तो शहर के सारे टेलर मास्टर आए हुए हैं, कपड़े वाले अपनी दुकानें उठा कर ले आए हैं, और उस होटल वाले का नाप पे नाप लिया जा रहा है, गर्दन 40 छाती 16। नहीं नहीं, मेरा मतलब है गर्दन 16 छाती 40। हाय हाय, क्यों मेरी छाती पे मुंगल रहा है? जा जाके देख और क्या क्या हो रहा है। अभी ट्राई बन सके, अभी तक 104 बुखार है। हाय हाय, देखो 100 रुपए से कम वाला जूता मत दिखाना। बहुत अच्छा, 100 रुपए से कम नहीं होगा, चलके देखिए। हाँ बेटे, ठीक अच्छा हो तुम? हाँ दादाजी, पैर पूरे 2-2 मन का लग रहा है, वो हल्की फुल्की कोल्हापुरी चप्पल ठीक रहे। बेटे तू कोल्हापुरी चप्पल की बात कर रहा, मैं तेरे सारा कोल्हापुर खरीदूंगा। ए डॉक्टर प्लीज डॉक्टर। इतने सारे जूते। मम्मी, वहाँ तो जूतों का बाजार लगा है, मालूम होता है बाटर फैक्ट्री खाली हो गई। हाय हाय हाय, भगवान दुश्मन को भिगो भिगो कर जूता मारे। जा बेटा फिर से जाके देख और क्या क्या हो रहा है। हाय हाय हाय, I will bring one more bulletin. 106। हाय हाय हाय, दादाजी ये इतने हीरे जवाहरात पहनकर मैं क्या करूँगा? रईसों के बेटे फूलों के गजरे नहीं पहनते, हीरे और मोतियों की माला पहनते हैं। दादाजी 4-4 कैरेट की 4 अंगूठियां दिखलाइए। अमर और पाली की दुकान से। मम्मी, अब तो शहर के सारे ज्वेलर्स वहाँ बैठे हैं, सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, मोतियों की माला। बस आगे मत बोल। हाय 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 हाय, ठहरो, इस बार मैं देखता हूँ, प्लीज ओब्लाइज मी। थैंक गॉड, पहले से बहुत फर्क है। बुखार उतर रहा है? नहीं, और ऊपर चढ़ रहा है,
सिर्फ 110। 110? अरे बुद्धू, 110 में आदमी मर जाता है। अरे पगली, लखनऊ में टेम्परेचर 118 होता है और तब भी आबादी 6 लाख है। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, 110 तो क्या, 115 में भी जिंदा रहेंगी। मम्मी डार्लिंग, थोड़ी बर्फ और मंगा दूं? अरे बेटे, बर्फ तो तेरी किस्मत पर पड़ गई है। हाय, इसलिए इस साल शिमले में बर्फ कम पड़ी है। हाँ विठल सेठ, मैं दुर्गादास बोल रहा हूँ भाई। आज शाम की पार्टी याद है ना, सारे परिवार के साथ आना, हाँ भूलना नहीं। सेठ जी दवा पी लो। आज आप सुबह से खुशी के मारे उछल रहे हैं, अपनी सेहत का तो ख्याल कीजिए। डॉक्टर, उम्र भर तुम मुझ पर धौंस जमाते रहे, अब जिंदगी की कुछ घड़ियां मुझे अपनी मर्जी से बिताने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही होगा ना, यही होगा कि मैं मर जाऊंगा। मरेगा आपके दुश्मन दादाजी, ऐसे शब्द फिर कभी मुझे नहीं निकालना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। बेटे, तुझे पाने की खुशी 100 साल की जिंदगी से बड़ी है। दादाजी, मैंने आपकी इजाजत के बगैर अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुला लिया है। लो सुनो, मालिक नौकर से इजाजत ले रहा, बेटा इस घर में तुम्हारा राज है। मैं तो अपनी उम्र खा पी चुका। आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। सेठ जी, सेठ जी दवा। डॉक्टर, दवा तुम पी लो। दोस्तों, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इनसे मिलिए, यही है इस घर के चश्मो चराग, जो आज से श्रीमान मिल्स के मालिक हैं, मेरे पोते श्री बलराज। शिव शंकर, भगवान की लीला देखिए। सेठ जी 25 बरस तक अपने पोते की तलाश करते रहे, नगर नगर और डगर डगर की खाक छानते फिरे, लेकिन उनका पोता मिल के बाहर मिल मजदूरों को दाल रोटी खिलाता रहा और प्रभु के गुण गाता रहा। पंडित जी, भगवान की मूर्ति पत्थर की होती है, लेकिन मूर्ति का दिल मक्खन का होता है। चलिए दादाजी, खाना तैयार है। हाँ बलराज, चलो आप लोग भी आइए। आइए आइए, सभी आइए, प्लीज आइए। बाबा क्या अच्छा इंतजाम। बेटा बलराज, जमीन पर अपने दोस्तों की दावत का इंतजाम किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं दादाजी, जमीन पर आपके दोस्त खाना खाएंगे। तो फिर ये मेज कुर्सी पर कौन बैठेगा? मेज कुर्सियों पर मेरे यार लोग खाना खाएंगे। देखिए ना दादाजी, गरीबों की किस्मत में दरी चटाई थाली कटोरी तो लिखी है, आज वो मेज कुर्सियों पर बैठकर प्लेटों में खाना खाएंगे और ये लोग धरती पे भोजन करेंगे। और देखिए, ये खाना जिंदगी भर याद है। हाँ क्यों नहीं बेटा, जिंदगी में कभी कभी वैरायटी होनी ही चाहिए। आज हम सब लोग चौकड़ी मारकर खाना खाएंगे। चलो भाई लोग, चलो शाबाश 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 शाबाश। देखो भाई, कहीं भी किसी भी कुर्सी पर फिट हो जाओ, चालू हो जाओ। चलो भैया, चलो चलो। अरे मुंह क्या देख रहे हो, बैठो 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 बैठो। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया।
तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है जी, तो है बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम ओ सीताराम, राधे श्याम ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, लालच में ना ना दिल का तन गवाओ। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम सीता सीताराम, राधे राधे श्याम सीता सीताराम। दादाजी 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 देखिए सेठ बलराज, ये रही आपकी मिल, कितनी ऊंची चिमनी है यहाँ की, और वो देखिए वो रहे आपके एयर कंडीशन ऑफिस, और साथ में एयर कंडीशन कैंटीन, खाने पीने को सब कुछ मिलता है यहाँ। आइए ना मेरे साथ। चलिए। और ये मशीन का सेक्शन, यहाँ मजदूर बहुत मजे में काम करते हैं। आइए आइए रन्ना साहब, आप भी आइए ना। बाबा कब से काम कर रहे हैं इस मिल में? हजूर बच्चा था जब यहाँ आया था। क्या तनख्वाह क्या मिलती है? 110 रुपए। इकबाल राज जी, जी जरा दफ्तर में आइए। आइए खन्ना साहब।
मैनेजर साहब जी, इस मिल में कितने ऐसे आदमी हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है? यही कोई होंगे साहब 100-150 पर। तो एक काम कीजिए, उन सबको 5-5 साल का बोनस और आधी तनख्वाह जिंदगी भर के लिए पेंशन लगा दीजिए। सेठ जी, गरीबों पर हम खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से मिल बंद हो जाएगी। गायत्री, इस मिल का मालिक मैं हूं ना, तो फिर आज से मैंने तय किया है कि इस मिल में अब बूढ़ी हड्डियों पर जुल्म और नहीं होगा। जैसा आपका हुक्म शेर जी, लेकिन मेरी एक विनती है, हम चाहते हैं कि आपके स्वर्गवासी दादा शेर दुर्गादास जी का एक चांदी का बुत मिल के कंपाउंड में जरूर लगना चाहिए ताकि चील, कौवे और पालतू कबूतर उन पर बैठकर बीट करें। दादाजी की इज्जत मजदूरों के दिलों में होनी चाहिए, इसलिए हमें उनकी याद में ऐसे काम करने चाहिए कि मजदूर उन्हें हमेशा के लिए याद रखें। हाँ, देखो भाई गायत्री, ये मिल का मामला है, हम जाने और सेठ जी जाने। इकबालनाथ जी, आज से मिल के हर काम में गायत्री मेरा साथ देगी। जब मेरे दादा इनकी हर बात मानते थे, तो आप और मैं कौन है इनकी बात झुठलाने वाले। इकबालनाथ जी, सेठ जी जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। खन्ना साहब, चमचों से मुझे सब चिढ़ है। आपकी उम्र भी तो 55 साल के करीब होगी। जी नहीं, जी नहीं, मैं तो अभी 45 बरस का हूँ। 45 बरस? अरे कई लोग जवानी में बूढ़े नजर आते हैं। ठीक है, मैं मिल के बाकी हिस्सों का मुआयना करके आता हूँ। चलो चलो भाई। खन्ना साहब, चींटी ने पर निकालना शुरू कर दिए हैं। लेकिन चींटी ये भूल रही है कि वो हाथी के पांव तले है। ओ, अरे अरे बूढ़े बाबा, ये क्या इतनी सर्दी में बगैर कपड़ों के लेटे हुए? बेटा, सवेरे से इस गरीब ने सर्दी के सिवा कुछ नहीं खाया है, 10 पैसे से भी चाय पी लूंगा। 10 पैसे क्यों, ये लो। अरे बेटा, ये तो 100 का नोट है। तो क्या हुआ बाबा, रख लो। बेटा, तेरा भला तेरे बाल बच्चों का भला। क्या कर रहे हो? इस ऊपर वाले का भी जवाब नहीं, जिसे देता है छप्पड़ फाड़ के देता है और जिसे नहीं देता कुछ नहीं। बाबा, ये कोट तुम ले लो और ये धोती मुझे दे दो, बहुत दिन हो गए ऐसी धोती नहीं पहनी। खन्ना साहब, बात क्या बात है? बात क्या वो बात है जो बात बनाए ना बने, लेकिन बात बनने में टाइम लगता है। श्रीमान जी, मैंने कहा श्रीमान जी, आप ये बंधियार और फटी हुई धोती पहन के घूमने निकल पड़े? नहीं इकबाल भैया, मुझे आप लोगों की इज्जत का बहुत ख्याल है। या तो मैं एकदम सूट बूट पहन के था, लेकिन रास्ते में एक बेचारा बूढ़ा सर्दी में ठिठ रहा था, मुझसे नहीं देखा गया, मैंने अपना कोट और पतलून दोनों उसको दे दिए। वाह 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 वाह, कितने अच्छे विचार हैं सेठ जी के, इनसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता। हर मनुष्य को ऐसा होना चाहिए खन्ना साहब। इकबाल भैया, लोग तो कहते हैं कि दौलत कमाना बहुत बड़ा हुनर है, और मैं कहता हूँ कि दौलत लुटाना बहुत बड़ा हुनर है। जी जी खन्ना साहब, देख लिया आपने मुफ्त में आई हुई दौलत किस तरह लुटाई जाती है? अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में घर के बर्तन सब बिक जाएंगे। इकबाल भैया, चिंता मत करो, इस होटल वाले को हम दूसरे रास्ते पर लगा देते हैं। दूसरा कौन सा रास्ता? अरे भाई, आदमी को बहकाने के लिए औरत और शराब दो ही तो रास्ते होते हैं। इस होटल वाले का ध्यान उधर लगा देते हैं और इधर हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। कसम खुदा की, खुदा को
अरे आप ऊपर बैठेंगे तो हम नीचे बैठेंगे। तो हम भी नीचे बैठेंगे। तुम नीचे बैठोगे तो हम ऊपर बैठेंगे। देखो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तुम हर रोज कितने आदमी को गाना सुनाती हो? हुजूर, दुकान खुली हो तो ग्राहक आ ही जाते हैं। इसका मतलब ये दुकान है, हर रोज नए आदमी का दिल बहलाना पड़ता है। क्या करूं हुजूर, दिल पर पत्थर रखकर हर रोज लोगों की नजरों के तीर सहती हूँ। आप जैसा कोई शरीफ ज़ादा हाथ पकड़ ले तो ये जिल्लत की जिंदगी क्यों बसर करूं? आपके सर की कसम, आज तक इस बदन तक कोई पराया हाथ नहीं पहुंचा। अपनी कला बेचती हूँ और पेट पालती हूँ। राम 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 राम, मुझे नहीं पता था तुम इतनी दुखी हो। देखो अगर तुम एक वादा करो कि ये काम धंधा कोठा सब छोड़ दो तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ। क्या 1,00,000? क्यों यकीन नहीं आता? अरे मेरे पास बहुत रुपया है। हुजूर, तौबा मेरी, मेरे जिस्म में कीड़े पड़े जो इस जगह का फिर नाम मिलू। कहिए और क्या कसम खाओ। नहीं, 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 मुझे यकीन आ गया। क्या हो गया संसार का, कितने दुखी लोग हैं यहाँ, पाप बढ़ता ही जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम, ठीक है ठीक है, ये लो 1,00,000 रुपए का चेक। अच्छा हुजूर, आप कहाँ चले? हम अपने घर। अब बाकी के दिन आराम से दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। जी। इकबाल भैया, खन्ना साहब चले गए। क्या हुआ? अरे मुझे 1,00,000 रुपए का चेक दे गया। 1,00,000? कोई बात नहीं, 40-40 हमारे, 20 तुम रख लो, लाओ। हुजूर, हम लेना जानते हैं, देना नहीं। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। खन्ना साहब, इकबाल भैया, इसे कहते हैं चोरों को मोर पड़ गए। चलिए। जी 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 जी, एक बाजारी औरत को 1,00,000 रुपए, दौलत न हुई बाप का बागीचा हो गया। बहन जी, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटी और नीर। घबराहट किस बात की, आखिर में सारी दौलत तो अपनी होने वाली है। खन्ना साहब जी हाँ, अपनी मौसी को वो एटम बम का नमूना तो दिखा दो भाई। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मौसी, श्रीमान दुर्गा दास जी तो कोई वसीयत छोड़कर नहीं मरे। अब मैं एक नकली वसीयत तैयार करता हूँ जिसका मजमून ये होगा कि श्रीमान दुर्गा दास जी का असली पोता बलराज सारी जायदाद का मालिक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो इकबाल नाथ जी की बेटी रेखा से शादी ना करे। आ गए ना अपनी असलियत पर, मुझे मालूम था तो मुझे एक दिन जरूर धोखा दोगे, मुझे भिखारी बनाओगे, मेरा सत्यानाश करोगे। शांति बहन जी शांति, भला सोचो तो सही, वो मुआ बलराज गायत्री से प्यार करता है, वो भला मेरी बेटी से शादी क्यों करने लगा? मुझे उल्लू मत बनाओ, वो एक लड़की के प्यार के लिए इतनी बड़ी जायदाद, मिल, बैंक बैलेंस सब याद देगा। अजी वो बहुत सर फिरा है, पहले दाल रोटी बेचता था, अब जाकर कहीं पान बीड़ी की दुकान खोल देगा। तो फिर इस वसीयत की ढोंग रचाने का क्या फायदा? फायदा कन्ना साहब, मौसी सीधी उंगली घी नहीं निकलता, वसीयत में ये भी लिखा होगा कि अगर बलराज ने रेखा से शादी ना की तो उस सूरत में सारी जायदाद की मालिक रेखा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी जायदाद तुम्हारी बेटी रेखा को मिली। हाय 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 हाय, समझती क्यों नहीं हो, मेरी बेटी नहीं तुम्हारी बहू रेखा की शादी तो अनोखे के साथ हर हालत में हो नहीं वाली है। हाँ जियो मेरे संबंधी जियो, ये बात हुई ना, मैं करोड़पति बेटी की सास और तुम करोड़पति बेटे के ससुर। तो क्या हम बीच में लटकते ही रहेंगे? अरे वारी जाओ, तुम्हारा तीसरा हिस्सा तो दूध से धोकर दूंगी, पहले वसीयत का कागज तो दिखाओ। कागज कागज तो अभी तक दिमाग में है, रातों रात तैयार हो जाए। आज ही रात को, आज ही रात को लीजिए खन्ना साहब। पंडित जी, हम तीनों ने अपने अपने दस्तखत बतौर गवाह कर दिए, ये लीजिए वसीयत, अब आप यहाँ दस्तखत कीजिए।
शिव शंकर बड़ी शुभ घड़ी है। हाँ पंडित जी, अपने नहीं श्रीमान दुर्गादास के दस्तखत कीजिए ना। हाँ मुझे सब मालूम है। पंडित जी, शुभ काम दाएं हाथ से करना चाहिए। सेठानी जी, दाया हाथ दान पुण्य के लिए और बाया हाथ हेरा फेरी के लिए है। डैडी, आप इतनी रात के काम कर रहे हैं? बिटिया, काम ही कुछ ऐसा था जिसका मुहूर्त रात ही को निकलता था। तुम जाके सो जाओ ना। जाओ। बड़े नटखट सितारे हैं, पल भर में इधर से उधर हो ही जाते हैं। पंडित जी, नकल पे असल का धोखा होना चाहिए। अजी, हाथ कंगन को आरसी क्या? जो दा दा हा, देखिए मिलाकर देख लीजिए, रत्ती भर फर्क नहीं है। अजी हो भी क्यों, हम कई पीढ़ियों से यही धर्म का काम करते चले आ रहे हैं। शिव शंकर 100% करेक्ट। वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक। तो फिर हो जाए मुंह मीठा। लीजिए पंडित जी, ये है आपकी दक्षिणा, आज नोटों के लड्डुओं से मुंह मीठा कीजिए। शिव शंकर, बातें करोड़ों की और दक्षिणा कौड़ियों की। लीजिए पंडित जी, हमारी तरफ से भी एक बंडल। आयुष्मान हो वकील साहब। हाँ क्यों नहीं, लीजिए पंडित जी, आप भी क्या याद करेंगे। जजमान हो तो ऐसा हो, जैसा काम वैसे दाम। ए मालिक, पानी मैं दूंगा। सेठ जी, ये काम हम जैसे छोटे आदमियों को ही शोभा देता है। माली, सेठ जी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो बड़े आदमी बन गए हैं। ये खोटी ठंडी सच बोलती है। अच्छा जी, आप होटल वाले से बहुत बड़े सेठ बन गए और हम अभी तक वही खोटी ठंडी रहे हैं। गाली मत दे। गाली? हाँ, ये आप कहती है ना, ये गाली है। मैं तुम्हारे लिए वही बिल्लू हूँ, भजिया तलने वाला, चाय बनाने वाला। और फिर अब तो हम तुम्हारी भी प्रमोशन कर देंगे, तुम्हें खोटी अठन्नी से खरी अठन्नी बना देंगे। अच्छा जी, चलो अभी मंदिर चलकर साथ फेरे ले लेते। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे नहीं तो किसी गाय भैंस से शादी करूंगा। महाराज, पहले मेरे माता पिता से मिलिए, उनके पांव छुइए और उनसे मेरा हाथ मांगिए। मेरी लाडो, मेरी रानी, तू अपने बिल्लू को अच्छी तरह जानती है, कभी किसी चार पैसे मांगने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। तुम ही चली जाओ और खुद ही जाकर अपने माता पिता से आज्ञा ले लो। अच्छा, अगर इतने ही उतावले हो रहे हो तो मैं आज ही गांव जाके पिताजी को साथ ले आती हूं। आज ही नहीं, अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त? हाँ, मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत उतावला। मंगल, मेम साहब को इनके गांव लेकर जाओ। और सुनो, हाँ, शाम तक लौट आना। हाँ, गाड़ी बहुत तेज भी नहीं और बहुत आहिस्ता भी नहीं, चल। छोटे सरकार, गायत्री कहाँ गई? गायत्री मैके गई है, शाम तक ससुराल लौट आएगी। मैका तो समझे पड़े, ससुराल कैसा, उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। शादी होने वाली है इकबालनाथ जी, मेरे साथ। आपके साथ? अजी बहुत बहुत मुबारक हो, मैं तो कहता हूँ हवेली के बाद जाग उठते। लेकिन छोटे सेठ जी, शादी से पहले आप बड़े सेठ जी की वसीयत सुन लेते तो अच्छा था। ये वसीयत क्या होती है? वसीयत? बड़े सेठ जी स्वर्गवास होने से पहले कुछ लिख गए थे, उसे कहते हैं वसीयत। तो घर वालों के साथ बैठ के आप भी उस वसीयत को सुन लें तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने तो सोचा था उनकी आत्मा की शांति के लिए आज रात को रामायण की कथा सुनेंगे। चलो कथा ना सही, आज दादाजी की लिखी वसीयत सुनेंगे। वसीयत जरूर सुन लेना बरफुरदार। लेकिन इस वसीयत के मुताबिक मेरा पोता उस वक्त तक मेरी जायदाद, मिल, बैंक बैलेंस का वारिस नहीं बन सकता जब तक कि वो इकबाल नाथ जी की लड़की रेखा से शादी ना कर ले। इकबाल नाथ ने सारी उम्र मेरा साथ दिया है, मेरी सेवा की है। इनकार की सूरत में मेरी सारी जायदाद का मालिक मेरा पोता नहीं बल्कि इकबाल नाथ जी की लड़की रेखा होगी। शिव शंकर। हाय राम, ये कहां का इंसाफ है? इकबाल भैया जवान बच्चा है, जिसे पसंद करेगा उसी से शादी करेगा। बहन जी, बेचारे सेठ जी मरने से पहले सठिया गए थे, सारी उम्र पोते के गम में घुलते रहे और मरते मरते इस बेचारे के गले में ये घंटी बांधकर चलती है। बेचारा बच्चा। इकबाल भैया, जहाँ ये बलराज बेटे पर जुल्म है, वहाँ उस गरीब लड़की गायत्री के साथ भी तो अन्याय है, गेहूं के साथ घुन भी पीस के। बहन जी, आपको क्या मालूम, ये बात सिर्फ हम ही नहीं सेठ दुर्गादास जी भी जानते थे।
कि गायत्री और बलराज एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात तो ब्राह्मण के दिल को भी जट रही है। पहले भी सेठ जी अपने बेटे के मामले में चक्कर खा गए थे, वो भी किसी लड़की से रिश्ता कर बैठा था। क्यों ना हो, मोहब्बत में ऐसा होता ही है। इसीलिए वो अपनी वसीयत में अपने पोते के लिए ये शर्त लिखवा गए हैं कि शादी हो तो किसी खानदानी लड़की के साथ। आगे और पढ़कर सुनाओ। बस बस खन्ना जी, बहुत हो चुका, अब आगे सुनना क्या बाकी है। मालूम होता है तीर निशाने पे बैठा है। अच्छा तो ये आ गई मेला घूमने। माँ जी जागा, जो हाथ शहर के हर ऐरे गैरे ने पकड़े होंगे वो हाथ मेरे पांव पर लगाकर मेरी जगह में कीड़े मत डाल। ए, काली जबान, कभी तो चुप बोला कर। हे राम, मेरा जन्म भी राहु केतु की छाव में हुआ होगा, शादी भी हुई तो ऐसे घिसे पिटे आदमी के साथ, ऊपर से सौतेली संतान जो सिर में हाथ डालकर भाग गई, गली मोहल्ले वालों को वो भी नहीं दिखा सकती। कल मुही, तुझे पता है तेरे लक्षणों के कारण तेरी छोटी बहन कुआरी बैठी है। भाग्यवान, अभी अभी बेटी घर में आई है, आते इसके कानों में जहर क्यों घोल रही है। शुक्र करो ये पहले तुम्हें मिल गई, अगर मैं दरवाजे पर होती तो मिट्टी का तेल छिड़क कर इसे आग न लगा देती। जरा आराम से सुन, इसकी शादी हो रही है और ये तो हमें शहर ले जाने के लिए आई है। पता है इसकी शादी किससे हो रही है? एक करोड़पति के पोते से। हाँ हाँ, लखपति से इसकी क्या तसल्ली होगी, लाखों करोड़ों के साथ खेली खाली होगी, एक बेवकूफ फंस गया होगा। कंजी भी, कुछ तो शर्म कर। शर्म तो भगवान को भी आ रही होगी। ए, सोने की थाली तुझे मुबारक, निकल जाए यहाँ से। दो घड़ी और ठहरी तो मेरी बच्ची की भी आते बिगड़ जाएंगी। गायत्री, बस क्या यही सुनने के लिए तू यहाँ आई थी? पिता के जीवन सबसे बड़ी खुशी की घड़ी वो होती है जब वो अपनी कन्या के हाथ में लेकर के उसे विदा करता है। लेकिन भगवान ने गरीब बाप से ये अधिकार भी छीन लिया। पिताजी, आप अपना जी मैला ना कीजिए, मैं चली जाती हूँ। शादी के बाद हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने यहाँ जरूर आएंगे। अगर उस समय तक सांस की डोरी टूट ना गए, बेटी अगर जिंदा रहा तो तुम्हारी मांग का सिंदूर देख लूंगा, नहीं तो मेरे आत्मा ऊपर से तुम्हें देख देख कर खुश हो रही होगी। आओ बेटी। क्या हो गया है बिल्लू तुझे? अच्छा खासा तेरा दाल रोटी का धंधा चलता था, कोई अकड़े तो मार के लाफा लिफाफा बना देता था, आज खुद लिफाफा बन गया हूं। वो बेचारी रेखा प्यार किसी से करती है, शादी मुझे करनी पड़ रही है। जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। रेखा से शादी न की तो करोड़ों की जायदाद से हाथ धोने पड़े। देख रेखा, मैं पहले ही परेशान हूँ, तू मुझे और जली कटी सुनाने चली आई। दिल जल रहा हो तो क्या जबान चुप रहेगी? जानते नहीं आप, मैं अनोखे के बगैर और अनोखे मेरे बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते। और मेरी सांस जो बंद कर रहे हैं ये लोग? ये लोग नहीं, आप मुझसे शादी करके तीन जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, मेरी, अनोखे की और गायत्री की। भगवान के लिए चिल्लाओ मत, तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? तो नाना जी की वसीयत का क्या होगा? वसीयत? वसीयत गई भार में, मुझे तो अपनी मोहब्बत की फिक्र हो रही है। और मैं इतना नीच नहीं रेखा कि इस धन दौलत के लालच में आकर अपनी गायत्री के अरमानों पर पानी फेर दूं। ओह, मैं आपको गलत समझ रही थी, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। सेठ? काहे का सेठ, मैं सेठ बेठ कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भैया? अच्छा भैया, तो ये बहन तुम्हारी मुश्किल हल कर देगी। कैसे? मैं बताती हूँ, हम दोनों कुछ देर के लिए झूठ मूठ के प्रेमी बन जाते हैं। पर इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि चंडाल चौकड़ी खुश हो जाएगी और हमें ये जानने के लिए कि सच क्या है झूठ क्या है वक्त मिल जाएगा। अरे रेखा, तू तो बड़ी सियानी है, इतना छोटा कद इतना बड़ा भेजा, कमाल स्कीम बताई है। चले नीचे। चलो चलो। इकबाल भैया, पंडित जी से कहिए कि मुहूर्त निकाले। काहे का मुहूर्त? मेरी शादी का। गायत्री के साथ? छी छी छी, कैसी बात करते हैं यार, आप क्या समझते हैं मैं अपने स्वर्गवासी दादाजी की इच्छा के खिलाफ जाकर उनकी आत्मा को दुख पहुंचाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैंने तय कर लिया है कि शादी करूंगा तो रेखा रानी के साथ। नहीं, 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 नहीं,
तुम चुप रहो मानो। अगर तुम हमारे दीदी के साथ शादी नहीं करोगे हम खाना पीना छोड़ देंगे। तुम भी चुप रहो शानो। क्यों चुप रहे? अगर तुम लोग चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। बड़ों की बातों में दखल नहीं देते। जाओ जाओ यहाँ से। इकबाल भैया मुहूर्त जल्दी निकलवा दो। लेकिन बेटा वो तुम्हारी सेक्रेटरी का क्या होगा? जी 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 चाची तुम उस नर्स की बात कर रही हो। उसे तो मैंने अपनी शानो मानो रानो के लिए आया बनाकर रखा हुआ है। कौन जाने किस घर की है, चाल चलन कैसा है, और फिर मैं हर किसी राह चलती लड़की को अपने गले का हार बना लूंगा। श्रीमान जी बहन जी की बात का बुरा ना मनाइए। असल में छालिया खा खा के इन्हें माली खोलिया हो गया। इकबाल भैया औरत का दर्द औरत ही जानती है। बेचारी गायत्री गरीब सही लेकिन आज तो लगाए बैठी है कि एक दिन इस घर की मालकिन बनेगी, वरना मुझे क्या पड़ी है, है? चाची कोई घर बैठे बिठाए अपने आप को रानी समझने लगे तो इसमें मेरा क्या कसूर? गायत्री मुझे यूं ही मिल गई थी, मैंने कौन सी उसकी जन्म पत्री देखी है। अगर जरा चूं चढ़ा करेगी तो 5-10 हजार रुपए देके उसे उसके गाँव भेज दूंगा। जियो श्रीमान जी, जुग जुग जियो। भाई बरसुरदार तो मैं तुम्हें अपना दामाद कह सकता हूँ? बिल्कुल। सुनो, अब जब तुमने रेखा के साथ शादी का फैसला कर ही लिया है तो भाई जाओ जरा घूमो फिरो, एक दूसरे को समझ लो तो बस गृहस्थ में बड़ा आनंद प्राप्त होगा। बेटी आओ, आओ रेखा रानी आओ। इकबाल भैया, रेखा मैं कहती हूँ मुझे धोखा दिया गया है, मेरी आंखों में धूल डाली गई है। तुमने कहा था कि रेखा की शादी अनोखे से होगी, तुमने ये भी कहा था कि बलराज गायत्री के लिए लुट जाएगा, कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा पलट गया है। बहन जी सुना तो आपने भी होगा, देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। समझ गई समझ गई, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, करोड़पति के ससुर जो बन रहे हो। लेकिन याद रखना मेरी आहें भी उस मुए को लगेगी, जवानी की मौत मरेगा। बहन जी, ए बहन जी, गांव में आकर इतने बड़े आदमी को गाली तो मत दीजिए। अच्छा तो वो कल की दाल रोटी बेचने वाला आज तुम्हारी नजर में बड़ा आदमी बन गया क्योंकि वो तुम्हारा जवाई बन रहा है ना। लेकिन याद रखना मैं भी सारा भंडा फोड़ दूंगी, आखिर वसीयत तो नकली है ना। बहन जी जरा आहिस्ता बोलो, मुझे कैद होगी तो मेरे साथ आपको भी होगी, खन्ना साहब को भी होगी और पंडित जी को भी होगी। मेरा कहा मानो तो बलराज की शादी रेखा के साथ बहुत शांति के साथ हो जाने दो। शादी के बाद मैं तुम्हारा तीसरा हिस्सा धर्म ईमान से तुम्हारे हवाले कर दूंगा और ये भी देखूंगा कि अनोखे की शादी किसी बहुत बड़े घराने में हो जाए। हाय राम, अब ये बूर के लड्डू न खाने के न छोड़ने के। दो मुझे पेन दो और मुझे लिख दो। अच्छा बहन जी, जो जी मैं लिखवा लीजिए। लिखो, दुर्गा दास की 3 कोठियों में से 1 कोठी मेरी। कोठी मेरी, हाँ लिख दिया जी। लिखो, मिल में 3रा हिस्सा मेरे अनोखे का होगा। ये भी लिख दिया जी। इसी तरह हीरे जेवरात चांदी के बर्तनों में 3रा हिस्सा मुझे दोगे। मुझे दोगे लिख दिया। बहन जी, श्रीमान दुर्गादास जी के नाम बैंक का 15 लाख रुपया कर्ज है, उसमें भी 3रा हिस्सा मुझे दे दो। बहन जी ये तो सारी की सारी रकम मैं आपके नाम लिख देता हूँ। अच्छा दस्तखत करो, दस्तखत। आप भी क्या याद करेंगी, किसी दानवीर करुण जैसे भाई से वास्ता पड़ा है। ला मुझे दो। संभाल के तिजोरी में रख दीजिएगा। हाँ हाँ रखूंगी। ए मंगल जी साहब, तू कब आया? 10-15 मिनट हो गए साहब। और गायत्री कहाँ है? मीम साहब अंदर गई, कुछ देर के बाद जब बाहर आई तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने पूछा आप पैदल क्यों जा रही हैं? गाड़ी हाजिर है। तो मीम साहब ने गुस्से से कहा कि गाड़ी तुम्हारे साहब को मुबारक हो, उनसे कह देना शानो मानो रानो की आया चली गई। झूठ मूठ का जो नाटक हम खेल रहे थे कहीं गायत्री ने देख तो नहीं लिया? सत्यानाश जिंदगी में पहली बार झूठ बोला था, वो भी अपने गले पड़ गया। मैं गायत्री को मना कर लाता हूँ, और देखो तुम रानो मानो शानो का ख्याल रखना, यहीं खेल रही होगी। चल मंगल। अंकल हमें दीदी के पास ले चलो। बच्चों ये तुम्हारे दीदी का नया घर है, यहीं बैठो और ये लो लॉलीपॉप खाओ, मैं तुम्हारी दीदी को लेकर अभी आया। बैठो बैठो। यस बॉस। देखो यहाँ 3 प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी हैं, इनका ख्याल रखना। ओके बॉस।
गाड़ी रुको ड्राइवर। गायत्री, गायत्री, गायत्री। छोड़ दो मुझे। क्यों छोड़ दूँ? तुम तो खामखा मुझ पे शक कर रही हो। मैं कहा ना, मेरे मुंह मत लगो। कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? सब कुछ। चलो ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ चलूँ? क्यों? रेखा से तुम्हारी शादी देखने के लिए? छोड़ दो मुझे। खामखा शक हो गया, वो नाटक था। नाटक था? पहले मेरे साथ प्यार का नाटक रचाते रहे, अब रेखा के साथ किस किस की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? दौलत तुम्हारे हाथ क्या लगी है? जमीन पर पांव टिकते ही नहीं, हवा में उड़ते जा रहे हो। तोड़ते रहो, मुझे परवाह नहीं है। मुझसे प्यार दाल रोटी बेचने वाला बिल्लू करता था, मिल का मालिक सेठ बलराज नहीं। ओ बाबा, मैं सेठ भी कुछ नहीं हूँ, मैं वही दाल रोटी बेचने वाला बिल्लू हूँ। मैं सब समझती हूँ, अपना रास्ता लो। गायत्री देख, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? देखो मैं कहता हूँ, मेरा कचरा मत करो, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊंगा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? छोड़ दो मुझे। क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे बचाइए। अरे मैं? सेठ जी, आप इतने बड़े आदमी हैं, एक पराई लड़की को छेड़ना आपको शोभा नहीं देता। इंस्पेक्टर साहब, ये पराई लड़की नहीं है, ये धोखेबाज है, फरेबी है। मैं धोखेबाज? हाँ, भी हूँ। ठीक है, जो जी चाहे कह लो, लेकिन घर चलो। सेठ जी, बात को बढ़ाइए मत, वरना आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, समझे? देवी जी, आप जाइए, मैं इनको संभालूंगा। क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? लड़की नादान है, भटक जाएगी। ओ, अभी तो आप भटक गए हैं। सेठ जी, आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, गायत्री। ए, तुकाराम, तुकाराम, गाड़ी लाओ। गायत्री देवी, गायत्री देवी, आप यहाँ? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, सेठ बलराज ने अपने नए नए प्यार के जोश में आकर अपनी नन्ही मुन्नी बहनों को डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। वो आपसे मिलने के लिए तड़प रही है। क्या, कहाँ है वो? मुझे ले चलिए उनके पास। आइए। तुम सब कफन चोर हो, मेरी दौलत पर नजर रखते हो लेकिन मेरी बहनों का कोई ख्याल नहीं रख सकते। छोटे सरकार, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। बाहर में क्या मुहूर्त? अरे अरे बेटी, क्या कर रहे हो? तुम्हारे कहने से ही तो ये शादी रचाई गई है। खबरदार, जो किसी ने अपनी जबान पर मेरी शादी का नाम लिया, मैं तुम सबको गोली मारूंगा। पंडित जी, अपनी पोथी उठाओ, चले जाओ यहां से। तुम सब जी हो, तुम सब चाहते हो। हाय राम, पल में तोला, पल में माशा, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है। सुबह कहता था शादी का मुहूर्त निकलवाओ और अब कहता है भाग ले गई शादी। इकबाल भैया, मुझे तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया है? हाँ बहन जी। हाँ, इसके दिमाग का मैं अभी इलाज किए देता हूँ। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। आइए, ये रही शानो, रानो और मानो। दीदी दीदी, किसका घर है? दीदी, ये अंकल तो कह रहे थे ये तुम्हारा घर है। अरे तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क है? गायत्री जी, आप इन बच्चों का दिल बहलाइए, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। दादा, ये सब क्या है? आप तो चले गए और जमाने भर की मुसीबतें मेरे सर डाल गए। मैं एक आजाद आदमी था, अपनी मेहनत की खाता था। अब इतनी दौलत पाकर ना रातों को नींद है ना दिन का चैन है। गायत्री का प्यार मैं खो चुका, वो बहन है जिनके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता था, ना जाने कहां है और किस हाल में। क्या अमीर होने की इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ती है? लानत ऐसी अमीरी पर, और मैं इस दौलत को आग लगा दूंगा। क्या सेठ बलराज पागल हो गए? हाँ। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल पागल, भला कोई अपने शादी का मंडप इस तरह तोड़ फोड़ देता है? आइए आइए मेरे साथ। चलो प्लीज, कौन है? तुम मेरे दुश्मन हो, तुम डाकू हो। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, पागलपन की पहली निशानी उधर देखिए ना। तुमने मेरे प्यार, मेरे सुख चैन पर डाका डाला है। ठीक बलराज, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। किस जुर्म में? सेठ जी, एक पागल का इस तरह आजादी से शहर में फिरना, इसका मतलब है शहर वालों की मौत। क्या मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? तो क्या कोई अकलमंद आदमी अपनी दौलत को इस तरह लुटाता है? चुप इंस्पेक्टर, ये दौलत मेरी है, मैं जो जी चाहे करूँ, खा जाऊँ, पी जाऊँ, उड़ा दूँ। सुन लिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी कमी है, आप क्यों बहस कर रहे हैं? मैं पहले भी सड़क पर आपके पागलपन का नजारा देख चुका हूँ, चलिए मेरे साथ।
ठीक है चलिए, इस पागलखाने से तो हवालात अच्छी होगी। चलो 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 जमान। बहुत खतरनाक बात है, तुम लोगों ने मुझे पागल बना दिया है। मेरी बहनों का नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, गायत्री जी भी पता नहीं कहाँ चली गई। इंस्पेक्टर साहब संभल के ले जाइएगा इस पगले को। दांतों से काट लेगा। चाची वापिस आ लेने दे, फिर बताऊंगा मेरे मुंह में कितने। इकबाल भैया, भगवान तुम्हारे इकबाल और बड़े बड़े करे, आज से दुर्गादास की आत्मा प्रसन्न हो गई होगी। योर ऑनर, इंडियन हेरिडिटरी एक्ट के मुताबिक अगर जायदाद का कानूनी वारिस नाबालिग हो या अपनी होशो हवास खो के पागल हो गया हो तो कानून को यह अधिकार है कि उस जायदाद का मुख्तार उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार या किसी वफादार मुलाजिम को बना दिया जाए। चूंकि सर दुर्गादास जी के पोते श्री बल्लाज इस वक्त पागलखाने में है, लिहाजा मैं कोर्ट से यह दरखास्त करूंगा कि उनके नजदीकी रिश्तेदार और पुराने वफादार मैनेजर मिस्टर इकबाल नाथ को उनकी सारी जायदाद का मुख्तार बनाया जाए। मंजूरी दी जाती है। खन्ना साहब, आप तो सचमुच किंग मेकर हैं। बलराज को गद्दी पे से हटा के आपने मुझे सारी जायदाद का मुख्तार बना दिया। लेकिन इकबाल भैया, बलराज को पागल बनाने का सेहरा तो आपके सर पर है। अरे दरवाजा क्यों बंद है? दीदी, तुम्हारे आने से पहले उस लंबू अंकल ने एक बटन दबाया था और उसमें से आवाज आने लगी। कौन सा बटन? इन्हीं में से एक बटन। बेचारा बलराज पागल खाने में असली पागलों के साथ रहकर वो सचमुच का पागल बन जाएगा। बलराज इस वक्त पागल खाने में और उसकी बहनें और महबूबा हमारी कैद में। लेकिन एक बात है इकबाल भैया, आपकी बेटी रेखा हमसे चाल चल गई। हाँ, उसने बलराज के साथ झूठ मूठ की मोहब्बत का नाटक रचाया। वो तो अपनी किस्मत अच्छी थी कि गायत्री ने इस बात को सच समझ लिया और दरवाजे से लौट गई। सुनिए, शराब तो चली गई है, क्यों ना इसके साथ साथ शबाब का रंग भी मिला दिया जाए। बात तो ठीक है, तो गायत्री को बुलाऊं? ले आओ ले आओ। बदमाश कमीने कहीं के। शानू मानो रानू, हम इन बदमाशों के चुंगल में फंस गए। हाय गायत्री देवी, किसी बात की तकलीफ तो नहीं हुई? ये लीजिए, तकलीफ किस बात की, इतने दिनों के बाद सुख की घड़ी देखने मिली है। तो फिर हमारे साथ शामिल होइए, आज हमारा जन्मदिन है। जन्मदिन है? बहुत बहुत मुबारक हो, तब तो आज के दिन खूब बड़ा सा जश्न होना चाहिए। क्यों नहीं, तो आइए फिर, तशरीफ लाइए। आप चलिए, मैं भी आती हूँ। ओके, सी यू, बाय। Thank you.
बता दे वकील के बच्चे तेरी मौत आ गई। खबरदार खबरदार, एक पागल पागल खाने से भागा हुआ है, उसके हाथ में बंदूक है, कोई रहम खाकर उसे आसरा न दे। जो कोई इस पागल को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। चंदू चंदू, पुलिस मुझे पागल समझ के पकड़ रही है, मुझे छुपा लो चंदू। अरे हम क्या करें साला, तुम हो ही पागल, भागो यहाँ से। चलो भागो भागो भागो, पागल पागल खाने से भागा हुआ है, जो कोई इस पागल को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बिल्लू, तुम मेरी बहनें कहाँ हैं? तुम उनकी चिंता मत करो, अपना आप संभालो, जल्दी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अच्छा, तुम भी मुझे पुलिस को पकड़वा कर इनाम हासिल करना चाहती हो? नहीं बिल्लू, मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई शक नहीं है। बिल्लू, मैं तुम्हारे लिए वही पुरानी गायत्री हूँ। तुम इस तरह जितना डर के पुलिस से भागोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही पागल समझेगी। तुम डरते क्यों, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। गायत्री, अगर तुम मेरे साथ हो तो इस दुनिया की ऐसी तैसी। मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन इस वक्त तो मुझसे ज्यादा ये लोग पागल हो रहे हैं। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अदालत अपने आप फैसला कर लेगी। चलो मेरे साथ आओ बिल्लू। ये लीजिए, आओ चलो जीप पे बैठ जाओ। इकबाल भैया, क्यों ना हम जल्दी से रेखा और अनोखे की शादी कर डालें? हाँ हाँ हाँ, इतनी जल्दी में क्या है बहन, बच्चे कौन से बूढ़े हो रहे हैं, पहले वो पगला तो ठिकाने लग जाए। कहीं मुझे मीठा जहर तो नहीं पिला रहे हो? अभी तक तुम्हारे दिल के किसी कोने में ये उम्मीद होगी कि रेखा की शादी बलराज से हो जाए। हाँ सो तो है, क्या बिगाड़ लोगी मेरा? क्या बिगाड़ लूंगी, अरे मैं मथुरा में छीपू तो काशी हिल जाती है, बड़ी जन्म जली हूँ मैं। और ये भी मत भूलो कि दुर्गा दास की नकली वसीयत तुम्हें एक मिनट में हटकरी लगवा देगी। हाँ बहन जी, ये भी ना भूलो कि उस नकली वसीयत पर तुम्हारे भी दस्तखत हैं, दोनों बहन भाई एक साथ जेल जाए। पहले तुम ही जाओ। ना 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 ना, दोनों एक साथ जाएंगे। तुम्हारे डैडी और मेरी मम्मी दोनों ने मिलकर एक नकली वसीयत बनाई है। नकली वसीयत? समझी। अंकल, अंकल। कौन है? कौन है? मैं हूँ आपका अनोखे। अंकल, मैंने अभी अभी सपना देखा है,
कि कोई आपके तकिए के नीचे से चाबियां निकाल रहा है। अरे बड़े जोर के घर में छोटे जोर का क्या काम? अंकल मैंने सपने में ये भी देखा कि एक खूबसूरत लड़की आपकी तिजोरी खोल रही है। अरे अंकल वो लड़की तो तिजोरी में से एक कागज निकाल के ले जा रही है। तू बकवास बंद कर, मौके मुझे सोने दे, बता क्या। अंकल अब वो लड़की चली गई। जा, तू भी जाना जा। जाता हूँ अंकल, जाता हूँ। मैं तो आपको चोरी का आंखों देखा हाल सुना रहा था। गुड नाइट अंकल। आजा आजा, गुड नाइट। बलराज को पागल ठहराने के सबूत में बारी बारी सारी गवाहियां पेश की जाएं। योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बलराज एक खतरनाक पागल है। इसके पागलपन के सबूत में अब मैं उन लोगों की गवाहियां पेश करता हूं जिनको स्वर्गवासी सेठ दुर्गादास और उनके पोते बल्लाज से बहुत नजदीकी संबंध रहा। गवाह नंबर एक, शेख बालनाथ, सेठ दुर्गादास जी के कानूनी मुख्तार। आप मेरे साथ कहिए कि मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर इकबालनाथ, आप बलराज के बारे में क्या जानते हैं? जनाब, मैंने जिंदगी भर सेठ दुर्गादास का नमक खाया है। मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे और मैं चाहता था कि उनके स्वर्गवास होने के बाद उनके पोते सेठ बलराज की भी उसी तरह सेवा करूं, उसी तरह खिदमत करूं। लेकिन अचानक इतनी बड़ी दौलत पाने के बाद सेठ बलराज अपने आपे से बाहर हो गए। उन्होंने दौलत को पाने की तरह बहाना शुरू कर दिया। घर वालों के साथ फसाद, दंगा धींगा, मुश्ती, क्या कहूं सरकार। शहर में इन्होंने वो तूफान है बदतमीजी बरपा किया, वो हंगामा पैदा किया सरकार के मां, और सब कुछ पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है सरकार। इतने बेगुनाहों को पीटा इन्होंने, कितनों से मार खाई है, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। ये सब कुछ देखने से पहले मैं इस दुनिया से उठ जाता तो बहुत अच्छा था। जज साहेब, जनाब, अब इससे ज्यादा और कुछ कहने की मुझमें शक्ति नहीं है। सतवंती देवी, आप भी बलराज को पागल समझती हैं? हाँ जज साहब, पहले ये कहीं से इस लड़की गायत्री को ले आया और कहने लगा कि मैं इससे शादी करूंगा। हमने कहा ठीक है, तो दूसरे दिन मुकर गया, कहने लगा नहीं, मैं तो इकबाल नाथ जी की बेटी रेखा से शादी करूंगा। हमने फौरन शादी का मुहूर्त निकलवाया और मंडप सजाया जज साहब, लेकिन अचानक शादी के मंडप में इसने आपके मंडप को तहस नहस कर डाला जज साहब, और कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ दूसरी लड़की से शादी करूंगा। बस वो दिन और ये दिन मेरी तो जान जा रही है इसका ये पागलपन देखकर। हाय मेरा पागल बेटा। श्रीमान जी, पागलपन की बीमारी तो इनके खानदान में चली आई है। इनके दादा श्री दुर्गादास जी महासनकी आदमी थे, हमेशा बीमार रहते थे। डॉक्टर को एक वक्त घर में आने की फीस 100 रुपया देते थे और डॉक्टर के चले जाने के बाद दवाई मुझे पिला देते थे। श्रीमान जी, ये खानदानी रोग है, पागलपन तो इनके खून में है। शिव शंकर। ये सब झूठे हैं जज साहब, सब मिली भगत है। बलराज पागल नहीं है, उसे जबरदस्ती पागल बनाया गया है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ कहना है इधर कटहरे में आके कहिए। कुमारी गायत्री देवी, जब तक दादा और पोते का मिलाप नहीं हुआ था, आप सेठ दुर्गादास जी के यहाँ बतौर सेक्रेटरी काम करती थी। हाँ। नौकरी जब आप सेठ जी क्या करती थी तो रात को सोने के लिए कहाँ जाती थी? बलराज के घर। मैं पूछ सकता हूँ किस रिश्ते से? इंसानी रिश्ते से, मुझे उनकी बहनों से बहुत प्यार है। और बलराज से नहीं? उनसे भी है। तो फिर आपने बलराज के साथ शादी करने के लिए इनकार क्यों किया? मुझे उनकी नियत पर शक हो गया था। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। इसमें नोट करने वाली क्या बात है? ऑर्डर ऑर्डर। आपके माता पिता कहाँ हैं? अपने गांव में। आपसे मिलने के लिए कभी कभार आपके पास आते होंगे? नहीं। उनकी कोई चिट्ठी, कोई पत्र आता होगा? जी नहीं। तो आप घर से भाग कर आई हैं?
आपका इससे क्या मतलब? योर ऑनर, एक कुंवारी लड़की जो घर से भाग कर आई है, जो नौकरी कहीं करती है, सोती कहीं और है, कानून की नजर में उसकी गवाही की कोई कीमत नहीं। कुमारी गायत्री, आपको और कुछ कहना है? जज साहब, ये सब गवाहियां झूठी हैं। ये पान छालिया वाली बुढ़ी, ये लोभी पंडित और ये लंबू इकबाल ना के वकील साहब, ये सब झूठे हैं जज साहब। आपको क्या बताऊं, हिंदुस्तानी लड़की हूं, कहते हुए भी शर्म आती है। योर ऑनर, घर के लोगों के अलावा मेरे पास कुछ ऐसी और भी गवाहियां मौजूद हैं जिनका सेठ दुर्गादास या सेठ बलराज या घर के और किसी आदमी से कोई दूर का भी वास्ता नहीं। गवाह नंबर 4, फकीरा भिखारी। फकीरा, तुम इस आदमी को पहचानते हो? जी, बड़ी अच्छी तरह सरकार। मैं एक रात फुटपाथ पर सोया हुआ था, बड़ी जबरदस्त सर्दी पड़ रही थी। साहब उधर से गाड़ी में आए, मेरे पास आए तो मैंने चाय के लिए 10 पैसे मांगे। सरकार साहब ने 100 का नोट निकाल कर मुझे दे दिया और अपने कपड़े भी उतार कर दे दिए और खुद मेरी फटी पुरानी धोती पहन कर चले गए। सरकार, मैं कभी कपड़ों को देखता था, कभी 100 के नोट को, कभी 100 के नोट को, कभी कपड़ों को, कभी 100 के नोट को, कभी कपड़ों को। तो तुम उस वक्त क्या समझे कि आदमी कैसा है? सरकार, मैं समझा जरूर कोई पागल होगा। तुम्हारा नाम? फूल कुमारी। क्या करती हो? गाने बजाने का धंधा। इस आदमी को पहचानती हो? ओह, बड़ी अच्छी तरह। एक बार सेठ जी मेरा मुजरा सुनने मेरे कोठे पर आ गए। मुजरा सुनने के बाद मुझे तन्हाई में ले गए और फिर मेरी राम कहानी पूछनी शुरू कर दी कि तुम कौन हो, किस मजबूरी से ये धंधा कर रही हो, तुम ये बाजार छोड़कर घर क्यों नहीं चली जाती, और फिर बगैर मांगे 1,00,000 रुपए का चेक काटकर मुझे दे दिया। सिर्फ गाना सुना था? जी हाँ। किसी किस्म की छेड़खानी? जी नहीं, हम तो कलाकार लोग हैं। कला की इतनी बड़ी कीमत? खैर, इतनी बड़ी रकम हाथ में लेने के बाद तुमने इस आदमी के बारे में क्या सोचा? यही कि जरूर कोई पागल होगा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम छोटू पहलवान है जी। तुम सेठ बलराज के बारे में क्या जानते हो? अजी, सेठ तो ये अभी अभी बना है, कल तक तो ससुराल दाल रोटी बेचता था। वकील साहब, एक दिन मैं इसके होटल में खाना खा रहा था, जरा सा मकौल मजाक हो गया तो इसने मेरी वो पिटाई की कि मैं अपनी पहलवानी भूल गया। सोचा था बच्चू हत्ते चढ़ जाए तो बदला लूंगा, लेकिन एकाएक ही जब ये मिल वाले सेठ का पोता बन गया तो अपना चलता होटल मुझे मुफ्त में दे गया वकील साहब। तो तुमने ये सोचा होगा कि ये जरूर कोई देवता है? देवता और ये तो पहले भी पागल था और अब भी पागल है। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट, दुनिया में हर कोई एहसान फरामोश नहीं होता। सेठ बलराज ने जिसको अपना चलता हुआ होटल मुफ्त में दे दिया, वो भी उसे पागल ही समझता है। बलराज, सिवाय गायत्री के बयान के हर बयान तुम्हारे खिलाफ है। अपनी सफाई के लिए अगर तुम चाहो तो अदालत की तरफ से तुम्हें वकील दिया जा सकता है। नहीं जज साहब, मैंने जिंदगी में ना कोई चीज मांग कर ली है और ना लूंगा। मैं तो पागल हूं, कोई भिखारी तो नहीं। तो तुम भी मानते हो कि तुम पागल हो? बेशक मैं पागल हूं, लेकिन नंबर 2। अच्छा, तो पहले नंबर का पागल कौन है? वो भगवान। भगवान? जज साहब, भगवान के पागलपन का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने मुझ जैसे दाल रोटी बेचने वाले, इज्जत की जिंदगी बसर करने वाले इंसान के साथ मजाक करके एक ही दिन में करोड़पति बना दिया। हजूर, ना मैं अमीर बनता और ना ये सब मेरे दुश्मन होते। सरकार, गरीबी के दिनों में जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, मैं उसे अमीर बनकर कैसे भूल सकता हूं? मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं, मैंने ना स्कूल का मुंह देखा है ना मास्टर का। मेरी जिंदगी ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है। मैंने दुनिया में यही देखा है कि कुदरत से लेकर आदमी तक हर कोई अपने हिस्से से दूसरे को कुछ ना कुछ जरूर देता है, चाहे वो जानदार हो या बेजान। मास्टर लोग पहले खुद पढ़ते हैं, फिर सारा जीवन उस विद्या को विद्यार्थियों में बांटते रहते हैं। इसका मतलब है मास्टर लोग पागल।
डॉक्टर पहले खुद डॉक्टरी सीखते हैं, फिर उस विद्या का फायदा उठाकर रोगियों के रोग दूर करते रहते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर पागल है। सूरज के पास रोशनी है, वो सारी रोशनी दुनिया को दे देता है। इसका मतलब है कि सूरज पागल है। चांद के पास चांदनी है, वो चांदनी सिर्फ आकाश तक नहीं रखता, इस धरती को दे देता है। इसका मतलब है कि चांद पागल है। दरख्तों के पास फल होते हैं, उन फलों का बोझ खुद उठाते हैं और वो फल दुनिया वालों को खाने के लिए दे देते हैं। इसका मतलब है कि दरख्त पागल है। गाय अपने बछड़े को थोड़ा सा दूध देकर बाकी सारा दूध दुनिया को बांट देती है। इसका मतलब है कि गौ माता पागल है। सरकार इन सब पागलों को बनाने वाला वो भगवान है। इसका मतलब हुआ कि भगवान सबसे बड़ा पागल है। और बाकी रही पागल नंबर दो की बात, यानी कि मेरे पास तो ना विद्या है, ना रोशनी है, ना चांदनी है, सिर्फ दौलत ही दौलत है। सरकार इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस दौलत को जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। एक भिखारी को मैंने आदमी होने के नाते सर्दी से बचने के लिए रुपए और कपड़े दे दिए। इसका मतलब है किसी की जरूरत से ज्यादा मदद करना पागलपन है। एक तोय फूल कुमारी को इज्जत की जिंदगी बसर करने के लिए मैंने 1,00,000 रुपया दे दिया, ताकि वो कोठे से उठकर घर में आ जाए और शराफत की जिंदगी बसर कर सके। इसका मतलब यह हुआ किसी पर जरूरत से ज्यादा रहम खाना पागलपन है। एक बेकार गुंडे को मैंने अपना चलता हुआ होटल मुफ्त दे दिया, ताकि वो मेहनत मजदूरी कर सके। इसका मतलब है किसी के साथ जरूरत से ज्यादा नेकी करना पागलपन है। जज साहब, अगर मैं चाहता तो अपने दादा की जायदाद का मालिक बनकर इकबाल नाथ, सतवंती खन्ना साहब और पंडित जी को धक्के मारकर घर से निकाल सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि गिद्ध तो मुर्दे का मांस खाते हैं और ये जिंदा आदमी को खा जाए। सरकार, फिर भी मैंने इनकी इज्जत की, अपने घर में रहने दिया, खाने को दिया। इसका मतलब है कि मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। बलराज, मैं अपना फैसला सुनाने से पहले तुमसे एक सवाल करता हूं। फर्ज करो तुम जज हो, कानून का तराजू तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी जगह मुलजिम के कटहरे में मैं खड़ा हूं और बार बार अपनी जबान से यह कह रहा हूं कि मैं पागल हूं, पागल हूं, पागल हूं, तो तुम मेरे बारे में क्या फैसला करो? क्या सवाल किया है जज साहब? कानून, कानून तो एक किताब है जिसकी ना आंखें होती है ना दिल, वो तो गवाहों के बयान को ही सच मानेगा हुजूर, और आपको भी पागल करार दे दिया जाएगा। ये एक पागल का फैसला है और अब कानून का फैसला ये है। जज साहब, जज साहब, मैं आपकी सेवा में एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। कौन हो तुम? मैं हूं अनोखे लाल, सतवंती देवी का इकलौता बेटा, और ये झूठी वसीयत अंकल इकबाल नाथ की तिजोरी से चुरा कर लाया हूं। योर ऑनर, ये वसीयत झूठी है या असली, इसका बलराज के पागलपन से क्या संबंध? लेकिन इस वसीयत का बलराज की मोहब्बत से तो संबंध है। इस वसीयत के मुताबिक अगर बलराज इकबाल नाथ की लड़की रेखा से शादी न करे तो उसे लाखों की जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। योर ऑनर, मैं आपसे फिर दरखास्त करता हूं कि सवाल बलराज के पागलपन का है, उसकी शादी या जायदाद का नहीं। लेकिन अदालत के पास शेर दुर्गादास की असली वसीयत भी मौजूद है, जो उनके खानदानी डॉक्टर शिवराज के पास बतौर अमानत जमा थी, और ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। योर ऑनर, ये वसीयत पहले क्यों नहीं पेश की गई? मिस्टर खन्ना, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अनोखे लाल की बीवी वसीयत पहले क्यों नहीं पेश की गई? मिस्टर खन्ना, बलराज का पागलपन तो साबित हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की नीयत भी जाहिर हो गई। एक भोले भाले इंसान को जो गायत्री से मोहब्बत करता था, नकली वसीयत में शादी की शर्त डालकर आप लोग उसकी सारी जायदाद हड़प करना चाहते थे। ऐसी हालत में कोई भी इंसान होश खो बैठेगा। मिस्टर खन्ना, आप अपना गौन उतारिए। और उधर जाके बैठिए। श्री इकबाल नाथ, सतवंती देवी, पंडित शिव शंकर और मिस्टर खन्ना, इन चारों की असली सजा तो ये होनी चाहिए, इनको गधों पर बिठाकर, इनका मुंह काला करके, हर एक के गले में जूतों का हार डालकर इन्हें गली गली घुमाया जाए, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के कानून में ऐसी कोई सजा नहीं। मैं
इन चार जाल साजों को ताजिरात हिंद सेक्शन 467 and 68 फोर्जरी के जुर्म में 7-7 साल कैदे बा मुशक्कत की सजा देता हूँ। चलिए बहन जी। अंकल हॉलीडे मम्मी हैव ए गुड टाइम। शर्म नहीं आती पंडित जी। जय हिंद। चुप। हैव ए गुड प्रैक्टिस इनसाइड। और अदालत सेठ बलराज को बा इज्जत बरी करती है। गायत्री बिल्लू 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 मैं ये समझो और समझाओ थोड़ी में मौज मनाओ दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण